हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इज एम ऑडिबल एंड विजिबल? फटाफट बता दें, आज की इस एनर्जेटिक इवनिंग में फटाफट हमें आज 124 से लेके, क्या कह रहा हूं, सेक्शन 124 से लेके 147 तक को कवर करना है। जैसा कि हमने पहले सेक्शन 1 से लेके स्टेप बाय स्टेप हम चले थे और 75 सेक्शन, जिसको हम कहते हैं जनरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया था। तो आई होप आज उसके आगे, अब बीच वाले सेक्शन कहां गए कोई बताएगा? फटाफट बता दें कि बीच वाले सेक्शन कहां गए, 76 से लेके 123, क्योंकि आज स्टार्टिंग हो रही है हमारी 124 से। तो देखिए, जैसा कि आपके यहां पे भी लिखा हुआ है, आई होप आप सभी को ये विजिबल होगा। हाँ जी, एक बार सभी लोग बता दें, क्या सभी कुछ ऑडिबल एंड विजिबल है या नहीं प्रॉपरली? फटाफट बता दें एक बार, इज एम ऑडिबल एंड विजिबल? यस, डन, ओके जी। चलिए, आज की जो बात मैं करने जा रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि 76 से लेके 123 के पार्ट जो थे वह क्या कर दिए गए हैं, वह रिपील्ड कर दिए गए हैं, उसके लिए एक सेपरेट एक्ट बन गया है। तो उसके आगे स्टार्ट होता है इंडेमनिटी एंड गारंटी। हाँ जी, तो उन सेक्शंस को आप कभी भी बेयर एक्ट में मत खोजिएगा, वहां पर रिपील्ड लिखा होगा, उसका नया बेयर एक्ट बन गया है। तो 75 के बाद सीधा स्टार्ट कहां से होगा आपका? होगा 124। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेमनिटी एंड गारंटी, राइट? तो इंडेमनिटी को पहले समझते हैं, फिर हम समझते हैं गारंटी क्या होती है। हाँ जी, एक बार सभी लोग देखिए, क्लास स्टार्ट हो रही है और ऐसा वैसा तो है नहीं कि नॉर्मल क्लास है, अरे एकदम एकदम स्टैंडर्ड लोगों के लिए, स्टैंडर्ड पर्सन के द्वारा एक क्लास कंडक्ट की जा रही है। तो आप सभी को क्या करना है, एक बार सभी को एनर्जी के साथ जय हिंद एंड जय भारत, और उसके साथ फिर क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक बार फटाफट हो जाए कि हाँ हम लोग आज परफेक्ट तरीके से बैठे हैं जी। ओके, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आज स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक की। अब समझना पड़ेगा इंडेमनिटी क्या होता है और गारंटी क्या होता है। तो सबसे पहला पोर्शन हमारा इंडेमनिटी का होगा, जिसमें 124 और 125 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अगर इस पूरे सेक्टर में से कोई क्वेश्चन आता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां से क्वेश्चन पहले उठ के आ जाता है, फिर जो नीचे का पूरा पहाड़ है उसमें से का क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप आज की क्लास में आप सभी लोग परफेक्ट तरीके से समझेंगे। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस टॉपिक की। चलिए, सभी का मैसेज देख के एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। एक एक सेक्शन को कवर करते हैं आज एक डेढ़ घंटे की क्लास में। हाँ, तो हमारा ये जो पूरा सीरीज है वह कहां से स्टार्ट होता है, सेक्शन 124 से स्टार्ट होता है और 147 तक में यह जाता है। अब बात करेंगे कि सेक्शन 124 में क्या है। तो 124 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन दी हुई है, मीनिंग नहीं दी गई है। क्या है, इट इज अ डेफिनेटिव सेक्शन। जैसे अपन ने सेक्शन 2 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? सेक्शन 2 में क्या था, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस थे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 2 में ही डेफिनेशन परिभाषाएं दी हुई है? नहीं, यहां पे आप जाएंगे तो 15, 16, 17, 18 फ्रॉड और ये सब जो थी इनकी भी डेफिनेशन में ही कवर होती है। तो यह भी इंडेमनिटी जो है यहां पे क्या है, डिफाइंड है, यहां पे परिभाषित है। और यह बात पूछी गई थी CGS 2020 में कि बताइए कि इंडेमनिटी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, तो आपको बोलना था सेक्शन 124, राइट? अब बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन पोर्शन की। हाँ, मनीषा जी आपका कंफ्यूजन है, आज सभी को मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हाँ, सभी को मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल के लिए इतनी डिमांड आई थी कि मेरे को मजबूरी में फटाफट कंडक्ट आज के आज ही कराना पड़ा। कल ही कंडक्ट हो गया था, बन गया था पूरा, अभी तक मैंने सर्कुलेट कर दिया है। फिर भी अगर किसी के पास मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने का चांस नहीं मिल पाया या फिर उनको कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाई कि कैसे जाएं क्या करें, तो आप सभी को बता देता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक अभी के अभी आपको मिल जाएगा, हाथों हाथ वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, राइट? तो अभी से अब आपके जो भी डाउट है प्लीज आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझे प्रॉपर तरीके से शेयर कर सकते हैं, प्रॉपर एकदम अच्छे से नोट्स बना के फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये मेरा वादा है, राइट? चलिए, हाँ, अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन के। डेफिनेशन क्या कहता है, परिभाषा क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइन करिए, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू अनदर, राइट?
मैं क्या कह रहा हूं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी क्या करती है, प्रॉमिस कर रही है किसको, किसी दूसरी पार्टी को। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यह पार्टी इसको क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा, कि भाई तुझे कुछ नहीं होगा, हाँ तू मेरा भाई है। तो मतलब क्या हुआ कि यह ए जो पार्टी है, यह बी पार्टी को कह रहा है कि तुझे अगर कोई भी लॉस हो गया तो मैं हूं, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, या फिर मेरी वजह से। तो इसमें दो चीजें हैं, क्या कह रहा है, अगर तुझे कोई लॉस हुआ मेरी वजह से तो मैं हूं ना, मैं बियर करूंगा, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर तुझे किसी तीसरे व्यक्ति ने परेशान कर दिया। क्या कह रहा हूं, अगर तुझे किसी तीसरे व्यक्ति ने परेशान कर दिया तो भी मैं उसको लॉस को बियर करूंगा, तो तू तो एकदम प्रोटेक्टेड है। यह हो गई इंडेमनिटी, यह क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इसको कानून की भाषा में समझते हैं। चलिए, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, जहां पे एक पार्टी क्या करती है, प्रॉमिस करती है किसी दूसरी पार्टी को टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम। क्या कह रहा हूं, टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोमिसर, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। बिल्कुल, इसे आप कर लीजिएगा कंडक्ट, ठीक है। लॉस कॉज टू हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोमिसर, मतलब ये हो गया अनुबंध, इसको भी लिख सकते हो आप, या बाय कंडक्ट हो सकता है, बाय कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी आप लिखे, एक ही बात आएगी, राइट। सो आई होप सबको समझ में आ गया कि एक पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किसी दूसरे को लॉस कर दिया, या फिर अपने किसी थर्ड पार्टी ने उसको लॉस पहुंचा दिया, तो दोनों तरह की सेफ्टी यहां पे, इसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इस व्यक्ति को जो हंस रहा है, इसको और स्माइली बना दो, क्योंकि इसको तो क्या है, फायदा ही फायदा है। अरे अनमोल दहिया जी, एग्जाम्पल भी आएगा, केस लॉ भी आएगा, जरा दिल थाम के बैठिए, सब कुछ मिलेगा यहां पे, कुछ भी ऊपरा ऊपरी नहीं होगा, पूरी क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से कंडक्ट होएगी। ओके जी, चलिए, तो अब मैंने बता दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, मतलब मेरे द्वारा, मतलब अगर मेरे से कोई लॉस हुआ तो भी है, अगर किसी थर्ड पर्सन से तुझे लॉस हुआ तो उसको भी मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आयुब सबको समझ में आ गया, डन। एक बार सभी लोग थम्स अप करें कि हाँ जी, क्लास जो स्टार्ट हुई थी हमें प्रॉपर समझ में आ गया है, फिर आगे मैं बढ़ूं अपने एक एक पॉइंट्स को लेके। हाँ जी, सभी लोग विजिबल है, फटाफट बता दें कि हाँ यहां तक तो डन है जी, आगे चलिए आप, फटाफट बता दें। हाँ जी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, अभी रिपीट कर देते हैं, देखो अभी इतना इजी लैंग्वेज में रिपीट करेंगे कि पूछिए ही मत। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, यह एक पार्टी है, यह आपकी दूसरी पार्टी है, यह ए है और यह आपका बी है। ध्यान से देखिएगा, इस व्यक्ति ने बी को बोला कि मेरे वजह से, मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर तुझे कोई भी लॉस हुआ, कोई भी लॉस हुआ तो मैं तुझे क्या करूंगा, सेव करूंगा, मेरी गारंटी है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर इसने बोला अगर तुझे भाई किसी थर्ड पर्सन ने चोट पहुंचाई, किसी थर्ड पर्सन से की वजह से तुम्हें नुकसान हुआ तो भी मैं उसको बियर करूंगा। कहने का मतलब इस व्यक्ति ने इसको पर्सनल, मेरी वजह से कोई लॉस हुआ उसे भी प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी बात, तुझे किसी थर्ड पर्सन, मान लीजिए सी है, उसने, उसकी वजह से तुझे कोई डैमेज हुआ तो भी मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो यहां डबल प्रोटेक्शन दी जा रही है एक व्यक्ति के द्वारा, यही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। आई होप सभी को यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार डन करें ताकि हम अगली पॉइंट्स पे बात कर सकें। हाँ जी, फटाफट बता दें, इज एवरीथिंग ओके एंड फाइन? ठीक है, आप देखिए, अब क्लास एक बार आगे प्रोसीड होने से पहले बता दूं कि लिंकिंग लॉज अनूप सर के नाम से आपका ये रहेगा, देख लीजिएगा, सभी को बता दूं, लिंकिंग लॉज अनूप सर, इस नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अब कोई नहीं कहेगा कि सर टेलीग्राम चैनल आपने क्यों नहीं बनाया है, हमें बहुत परेशानी होती है। डन, सभी को मैंने आप बता दिया है कि इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लास के बाद आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिखते ही आ जाऊंगा। चलिए अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, मतलब अगर हम क्या करते हैं, एक इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस करवाना किस प्रकार की संविदा है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी,
बेलमेंट, गारंटी या फिर क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, बता दीजिए। इंडेमनिटी का मतलब हो गया क्षतिपूर्ति की संविदा, बेलमेंट तो आपको पता ही है, और यहां पे आपको गारंटी का मतलब गारंटी एकदम इजी इजी है, और इसको ये इसको लिख देता हूं, इसको अर्ध संविदा भी कहा जाता है, जिसे मैंने पढ़ा दिया है। फटाफट इन सभी के इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कमेंट बॉक्स को एकदम एकदम आसान क्वेश्चन दिया है, देखो आज का क्वेश्चन पेपर आउट करके देता हूं मैं। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यह कॉन्ट्रैक्ट किस में आएगा, यह आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर। बिल्कुल सभी का आंसर राइट है, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, ठीक है। अब यह क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा। अब जैसे मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक पार्टी यह होती है, दूसरी पार्टी यह होती है, तो यही बात तो आगे लिख रहा हूं, देखिए ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टियां होती हैं, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। कौन कौन होती है ध्यान से देखिएगा, पहली पार्टी जो आपकी होती है वह कहलाती है इंडेमनिफायर, क्षतिपूर्ति करता, मतलब जो व्यक्ति, यह कौन होता है पहले ध्यान से सुनिएगा, इंडेमनिफायर होता है, दूसरा इंडेमनिफाइड होता है। इंडेमनिफाइड का मतलब होता है इंडेमनिटी होल्डर, हाँ जी, इसके दो नाम है, हाँ यहां पर इसके दो नाम है। वह व्यक्ति जो प्रॉमिस करता है, जैसे मैं कह रहा हूं भैया मैं तुझे प्रोटेक्ट कर लूंगा, तेरे को कोई भी लॉस होगा अनुप उपाध्याय उसकी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, तो मैं कौन हुआ, मैं हुआ इंडेमनिफायर, और मैं प्रोटेक्शन किसको दे रहा हूं, आप सभी को मान लीजिए, तो आप लोग कौन हुए, इंडेमनिटी होल्डर। आई होप एकदम इजी वे में सबको समझ में बेसिक कॉन्सेप्ट तो आ गया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये होता है, जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है, गारंटी माफ कीजिएगा, जो प्रोटेक्शन दे रहा है वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा इंडेमनिफायर, और जिस व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया जा रहा है वह कहलाएगा इंडेमनिटी होल्डर। ध्यान से देखिएगा, हु प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, जो व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि आपको मैं लॉस से सेव कर लूंगा वह कहलाता है इंडेमनिफायर, और जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है पार्टी, हाँ जी, पार्टी हु इज प्रोमिस टू बी सेव्ड, जिस पार्टी को प्रोमिस किया जा रहा है कि तुझे सेव कर लिया जाएगा या तुझे प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा अगेंस्ट लॉस, वह कहलाएगा इंडेमनिटी होल्डर। हाँ जी, अब हिंदी में बात करते हैं, यह क्षतिपूर्ति करता और वह क्षतिपूर्ति धारी कहलाता है। आई होप सभी को ये प्रॉपर तरीके से चार्ट समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, एकदम स्थिर माइंड से, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी, पहली पार्टी कौन हो गई, एक इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इसके बीच में एंड व्हीकल ऑनर, और दूसरा कौन है, एक व्हीकल का मालिक है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है व्हीकल ऑनर को कि भाई एक्सीडेंट हो गया ना तो मैं बैठा हूं, मैं कंपनी हूं, मैं बियर करूंगा, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड अ व्हीकल ऑनर टू सेव द लेटर, लेटर का मतलब क्या हुआ, बाद वाला, तो यही है ना इस लाइन में, बिल्कुल बाद वाला, तो ये कह रहा है टू सेव द व्हीकल ऑनर फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ व्हीकुलर एक्सीडेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दैट्स इट, इतना इजी सी बात है। मतलब आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया तो आप कौन हो गए, आपका आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं, आप इंडेमनिटी होल्डर हो गए, और वह कंपनी क्या हो गई, इंडेमनिफायर हो गई, राइट। आई होप सभी को यह बात समझ में आ गई। तो एक एग्जाम्पल था यह किसका, व्हीकल का इंश्योरेंस का। आई होप यहां तक सभी को डन है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, देखिएगा अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब यहां पे थोड़ा सा डिस्प्यूट अराइज होगा, पहली बोल दे रहा हूं, इस डिस्प्यूट को मैं भी सॉल्व कर दूंगा लेटर ऑन स्टेज पे आज की प्रोसीडिंग क्लास में, जैसे ही मेरी आगे क्लास जाएगी इस पॉइंट को मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द परफॉर्मेंस ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन अ फ्यूचर इवेंट, मतलब ये कह रहा है जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है जिसका परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड है, जिसका परफॉर्मेंस डिपेंड होता है अपॉन अ फ्यूचर इवेंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अब जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के हम आए हैं उसकी बात ये कह रहा है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो जो उसका परफॉर्मेंस है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट की पालना है, वह किस पे निर्भर करती है, फ्यूचर इवेंट पे निर्भर करती है, और यह कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा।
अब देखिए डिस्प्यूट क्या है, मैं आपके माइंड में कर देता हूं। डिस्प्यूट ये है कि अभी इंश्योरेंस की बात आई थी तो वो किस में चली गई, इंडेमनिटी में चली गई। अब दूसरी बार जब इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन में हम आंसर क्या टिक करेंगे, बिल्कुल 31 में। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है वह छोटा होता है, वह बच्चा है। किसके सामने? 31 के सामने। उसका मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी लेके आऊंगा, ठीक है। तो जो इंडेमनिटी होता है वह एकदम छोटा पोर्शन होता है, जबकि कॉन्टिंजेंट क्या होता है, बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। कैसे करता है 10 मिनट बाद बताऊंगा। तो अभी आप ये समझिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चार ऑप्शन आएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, चार और रहेंगे ऑप्शन। तो आपको इसी पर टिक करना है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोनों दोनों एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं क्रिएट होगा, वरना डिस्प्यूट जरूर अराइज हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये आपको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे टिक करके आना है। अब यह कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पहला प्रिफरेंस क्यों होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, अभी एक क्वेश्चन ले लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, MPCJ 2016 में आया हुआ है। मैंने जैसे पूछा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वह कहां कवर होता है, चार ऑप्शन रहेंगे, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, या फिर वेजरिंग एग्रीमेंट में होता है, बेलमेंट में आएगा, या फिर गारंटी में आएगा। तो आपको ऑप्शन किस पे लगाना है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। अभी आपका और डाउट अच्छे से क्लियर कर दूंगा, देखिएगा आगे। हाँ, एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस पूरे सेगमेंट को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, वो प्रॉपर एग्जाम्पल है, एकदम आराम से सुनिएगा। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई बी। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है किसको इंडेमनिफाई करने के लिए, बी को, अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी मे टेक अगेंस्ट बी। यहां पे ध्यान से सुनिएगा क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ, भैया बी तुझे मैं इंडेमनिफाई करूंगा कोई भी तेरे को दिक्कत आई तो। यहां तक समझ में आया कि भैया कोई भी क्षतिपूर्ति है मैं देखूंगा। आगे देखिएगा, Against the consequences of any proceedings which C may take against B, मतलब ये कह रहा है अगर C ने कोई भी केस तेरे ऊपर ठोका, C ने कोई भी केस B के ऊपर किया, तो जितना खर्चा आएगा सारा का सारा मैं बियर करूंगा, ऐसा ये कह रहा है, राइट? तो यह भी क्या है, यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, बिल्कुल। क्या सभी को एग्जाम्पल समझ में आया, यानी फटाफट बता दे एक बार। ए ने बी को कहा सी तेरे ऊपर केस फाइल कर रहा है, करने दे, सारे खर्चे मैं बियर करूंगा, तो मैं कौन हुआ, इंडेमनिफायर, बी कौन हुआ, इंडेमनिफाइड, इंडेमनिटी होल्डर। आई होप सभी को यहां तक एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब इसको प्रोटेक्शन किसके खिलाफ, सी के सूट फाइल करने के बाद जो एक्सपेंसेस होंगे उसके खिलाफ मिल रहा है, डन। आगे चलते हैं, बिल्कुल आपका प्रॉपर रिप्लाई मुझे देते जाइएगा, वरना मुझे बार बार समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट इन ऑफलाइन बैच, आप सभी लोग ऑनलाइन में, ऑनलाइन का रेस्पॉन्स कमेंट ही है जिसके जरिए मुझे मिलेगा। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब 124 को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं ध्यान से देखिएगा, एक यूनिक चीज आपको जरूर दिखेगी कि भाई जो पहला सेक्शन होता है उसको जरूर मैं डीप में लेके जाता हूं, क्योंकि आपका जो सेक्शन 124 है वही आपकी रूपरेखा को तैयार करेगा पूरे पोर्शन को पढ़ने में। अगर आपको शुरू के सेक्शंस इतने अच्छे से आ गए कि बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो आई होप आप पूरा एक्ट जो है, मतलब पूरा सेगमेंट जो है, आप आधे घंटे में क्लियर कर सकते हैं। सो अब 124 पे एक छोटी सी बात और देखिएगा, जो 124 में परिभाषा दी हुई है क्या वो एग्जॉस्टिव है या फिर नॉट एग्जॉस्टिव है। तो मैं आपको बता दूं, यह नॉट एग्जॉस्टिव है, यह बहुत ज्यादा व्यापक नहीं है, बिल्कुल यह व्यापक नहीं है, यह एकदम छोटा सा है, देखते हैं कैसे। अनिका कुमारी जी कह रहे हैं, अनिका जी हेलो सर, क्या ये क्लास एक लॉ स्टूडेंट को काम आ सकता है? बिल्कुल, ये लॉ स्टूडेंट के ही काम की क्लास है, दूसरों को ये देखना बिल्कुल सही नहीं है, बाकी लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ओके। हाँ, अब बात करते हैं सेक्शन 124 की। अब 124 क्या कहता है, नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब जो 124 की डेफिनेशन है वह एग्जॉस्टिव नहीं है। कैसे नहीं है, अब बताता हूं मैं आपको, देखिएगा। It recognizes only those contract as contract of indemnity by which one party promises to save other, जहां पे एक पार्टी क्या करती है, वादा करती है दूसरी पार्टी को सेव करने से, लॉस caused by the contract of। ये देखिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा, यहां पे एक बात ही कह रहा है कि अगर इस पूरे मैटर को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है,
अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन का क्रक्स देखिएगा, इट रिकॉग्नाइजेस ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वह किसको आइडेंटिफाई करता है, इट रिकॉग्नाइज मतलब यह पहचान करता है किसकी, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर, जहां पे एक पार्टी किसको सेव करता है, किसी दूसरे पार्टी को, पहली बात ये। दूसरी बात क्या थी, फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, पहला प्रोमिसर और दूसरा एनी अदर पर्सन। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए यहां दो पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंस आपको देनी है, प्रोमिसर एंड एनी अदर पर्सन। जैसे समझिएगा, मैंने आप सभी को कहा कि भाई तुझे कोई भी लॉस होगी मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तो मैं बियर करूंगा ना, ये बात होगी प्रोमिसर, ये प्रोमिसर ही तो है जो कह रहा है, वह क्या कहलाएगा, प्रोमिसर, मतलब ये प्रोमिस कर रहा है, समझ गए। अब देखिए, एनी अदर पर्सन, अगर तुझे तीसरे किसी थर्ड पर्सन की वजह से लॉस हो गया तो वो भी मैं बियर करूंगा, समझ में आया, किसी थर्ड पर्सन की वजह से तुझे लॉस हुआ तो वह भी मैं बियर करूंगा। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, सिर्फ इतना ही लॉस बियर करूंगा जो मेरी वजह से हो रहा है और किसी तीसरे की वजह से हो रहा है, मतलब किसी इंसान की वजह से होना चाहिए। एनी अदर पर्सन लिखा हुआ है, यहां पे भी प्रोमिसर भी पर्सन है, मतलब ध्यान से समझिएगा इसको मैं क्यों लाया हूं, इसका मतलब ये होता है अगर ह्यूमन एजेंसी की वजह से आपको लॉस हो रहा है तो ही बियर ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वह चाहे आपको ह्यूमन एजेंसी से लॉस हो चाहे आपको नॉन ह्यूमन एजेंसी से लॉस हो, सारे बियर करता है। तो आप बताइए कंपनियां किसको फॉलो करेंगी, कौन सा बड़ा है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है। तो आप डिफरेंस को समझिएगा, अभी इसको चार्ट फॉर्म से भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, मतलब इसका स्कोप आपका हुमेरा जी, इसका स्कोप आपका क्या है, व्यापक नहीं है, मतलब बहुत बड़ा वाइड स्कोप नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी उन्हीं को ही कवर करता है जो सिर्फ इंसानों की वजह से लॉस हो रहा हो। जैसे दो यहां बोला ना, प्रोमिसर के खुद की वजह से कोई लॉस हो रहा है उसे मैं कवर करूंगा, किसी थर्ड पर्सन की वजह से लॉस हो रहा है उसे मैं कवर करूंगा, दैट मींस सिर्फ ह्यूमन एजेंसी के लॉस को यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कवर करता है। आगे की बात देखते हैं, दिस डेफिनेशन कवर्स द कॉन्ट्रैक्ट मेड टू इंडेमनिफाई द लॉस कॉज्ड बाय ह्यूमन एजेंसी ओनली, ये देख लीजिए, ह्यूमन एजेंसी ओनली, कहने का मतलब तुझे लॉस, अगर आग लग गई तेरे घर में, मान लीजिए आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ह्यूमन एजेंसी तो है नहीं तो यहां कैसे आएगा, कवर ही नहीं हो पाएगा। भूकंप आ गया, कोई और चीजों से लॉस हो गया तो ह्यूमन एजेंसी तो यहां है ही नहीं, तो ये सारी चीजें इसमें कवर ही नहीं हो पाएंगी। तो ये कवर कहां होंगी, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कवर होंगी, जो हमने पढ़ा था 31 में। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे, अभी आपका जवाब स्ट्रेंजर जी, आप स्ट्रेंजर तो है बट आपको अपनापन के द्वारा एक आपका प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे, देखिएगा। हाँ, जो अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है, जो इंश्योरेंस की संविदा होती है, अगर आपको लॉस कॉज्ड बाय ह्यूमन एजेंसी, अगर ह्यूमन एजेंसी की वजह से लॉस हो रहा है तो यह सेक्शन 124 में कवर्ड होगा, और इसका यह छोटा नैरोअर कॉन्सेप्ट है और यह एक छोटा कॉन्सेप्ट में आएगा। अब दूसरी बात करते हैं, लॉस कॉज्ड बाय ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एजेंसी, अगर जो लॉस है वह ह्यूमन एजेंसी प्लस नॉन ह्यूमन एजेंसी दोनों की वजह से हो रहा, नॉन ह्यूमन एजेंसी मतलब भूकंप आ गया है, ठीक है, भूकंप के अलावा और कौन सी प्राकृतिक चीजें हैं वो सारी हो रही हैं, तो बाढ़ आ गया तो इसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, तो यह ह्यूमन प्लस नॉन ह्यूमन दोनों को कवर करता है। आई होप ये बात आप सभी को क्लियर हो गई है। तो अब बताइए, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वो कहां जाएगी, वो यहां जाएगी या फिर यहां जाएगी, तो आई होप उसको यहां जाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ी सुविधाएं पब्लिक को देना चाहती है, तो इसीलिए लिखा है इट इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस इंडस्ट्री। यह क्या है, यह वाइडर है, जबकि यह क्या है, यह संकीर्ण है, मतलब यह नैरोअर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। अब देखिएगा, अब ये जो पूरी कैटेगरी है ये कहां फॉल करती है, इट फॉल्स, नहीं दिख रहा हो तो ऊपर कर देता हूं, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 31। आई होप सभी को यहां तक डन हो गया है। अब बताइए कि क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और इनके मामले में कहां पे हमें ध्यान देना चाहिए, सभी को प्रॉपर तरीके से अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अब कोई गलती नहीं करेगा कि कॉन्टिंजेंट में कब जाएगा और इंडेमनिटी में कब जाएगा, सिंपल सी बात है,
कॉन्टिनजेंट में कब जाएगा? जब दोनों को कवर कराना है तो कॉन्टिनजेंट में जाना बेटर है। जब सिर्फ ह्यूमन एजेंसी की बात आती है तो इंडेमनिटी में जाना परफेक्ट रहेगा। मोनिका जी अभी पॉसिबल नहीं है, चलिए अभी अभी तो हम सारे ऑफलाइन बैच क्लोज करके यहां पे आए हैं, अब तो ऑनलाइन पे आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा स्ट्रेंजर जी, आप ध्यान दीजिएगा, हाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए कुछ बातें बता देता हूँ। प्राइस राइज सून, एक्ट फास्ट टू सेव नाउ, मतलब अभी जो हमारी प्राइसेस हैं अन अकेडमी की, वो सारी राइज होने वाली हैं। सो यू हैव टू, अगर आपको सब्सक्राइब करना है, आप फटाफट इसको कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की बात करते हैं, अभी आगे की बात करते हैं। इसको देखिए अभी सेक्शन 125, किसको 124, आज के बाद कोई गलती नहीं करेगा, फटाफट बता दें कि 124 सर अब डन है, फटाफट 124 को करें, एक बार डन करिए 124 को। हाँ जी, एक बार अपने प्रॉपर रिप्लाइज दे दीजिए कि हाँ जी अब सर मुझे परफेक्ट हो गया है। ओके, यस डन। चलिए आगे चलते हैं, अब सेक्शन 125 की बात करते हैं। ये क्या कहता है? धारा 125। ओके, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, मतलब जो बच्चा प्रोटेक्ट हुआ है, इंडेमनिटी होल्डर है, जिसका दूसरा नाम क्या है फटाफट बताएं कमेंट में। इंडेमनिटी होल्डर को किस नाम से जाना जाता है फटाफट बता दें ताकि मजा आ जाए। इंडेमनिटी होल्डर का दूसरा नाम क्या है? गिरधारी थारा नाम दो फटाफट बताएं। इंडेमनिटी होल्डर को किस और नाम से जाना जाता है? अब डन है, ओके सभी लोग बताएं ताकि 125 की शुरुआत हम कर दें। वेरी नाइस चेरी जी, ओके वर्मा जी, पूरा चैप्टर वाइज ही चल रहा है, आप सारी सीरीज में जाइएगा प्ले स्टोर में, प्रॉपर तरीके से चल रहा है एकदम, बिल्कुल आप देख लीजिएगा, आपको पुराने लेक्चर्स भी मिल जाएंगे वन बाय वन। ओके, नहीं पता है बता देता हूं। देखिए जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया था, इतना पीछे मुझे ले जा रहे हो आप लोग, देखिए हाँ, जो दो पार्टियां होती हैं, पहली पार्टी क्या कहलाती है? इंडेमनिफायर। और जो दूसरी पार्टी होती है उसके दो नाम है, पहला इंडेमनिफाइड और दूसरा इंडेमनिटी होल्डर। आई होप आप सभी को अब दिक्कत नहीं आएगी, पर फटाफट बता दें हाँ जी अब कंफर्म हो गया, दो पार्टी होती है, इसके दो नाम है जी, आपको इतना सा ही तो याद रखना है, कैसे भूल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। हाँ, अब बात करते हैं सेक्शन 125 की, मतलब इंडेमनिटी होल्डर, क्या कह रहा हूं, इंडेमनिटी होल्डर को कब, अब पहले इसको हिंदी में पढ़िए, क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाए, मतलब कब, जब इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर केस फाइल हो गया है तब क्या होगा? अरे मैंने तुझे प्रोटेक्शन दी है ना, क्यों टेंशन ले रहा है? कोई केस हो रहा हो, कोई सूट फाइल हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई खर्चे हो, मैं बियर करूंगा। तो यहां पे पूछ रहा है इस इंडेमनिटी होल्डर का राइट क्या है, इसका अधिकार क्या है? इसका इतना ही अधिकार है कि भैया जितना मेरा खर्चा आएगा, इंडेमनिटी होल्डर बोल रहा है कि मेरे ऊपर अगर सूट फाइल हो गया, मेरे को कोई खर्चा आया, तो कौन बियर करेगा? इंडेमनिफायर, जो उसको कह रहा है कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, कब इंडेमनिटी होल्डर के राइट पे राइट को स्यू किया जा सकता है? देखिएगा, द प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड, अब देखिए यहां प्रोमिसी वर्ड यूज हो रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोमिसी वर्ड क्यों यूज हो रहा है कि एक प्रोमिसर है जो उसको कह रहा है, वादा कर रहा है, क्या वादा कर रहा है कि भाई तुझे कुछ भी हो गया तो मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, वचन दे रहा है एक व्यक्ति, किसको? दूसरे को, वचन ग्रहिता को। तो वचन का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कह रहा है भाई कि तेरे को अगर तूने वचन दिया है तो तुझे वचन को निभाना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट कर। राइट, अब देखिएगा, द प्रोमिस इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर, तो यहां प्रोमिसी किसका हकदार है कि जितने भी खर्चे होंगे उसको रिकवर करने का अधिकार है। आगे की बात करते हैं, देखिएगा, हाँ तो सिंपल सी बात है, इंडेमनिटी होल्डर का क्या राइट है? राइट टू रिकवर ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्रोमिसर। राइट, आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा एक पॉइंट और आया है। अब मैंने जब राइट की बात करी थी
इसके राइट की बात करी थी मैंने, किसकी बात की थी, इसके राइट की। तो यहां पे मैं बता देता हूं, द प्रोमिसी इज एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। क्या क्या वो रिकवर कर सकता है, तो इसके लिए एक, दो और तीन बातें बताई गई है। मतलब तीन तरह के बातें हैं इसकी राइट के अंदर इंडेमनिटी होल्डर के। पहला राइट क्या है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट राइट टू रिकवर ऑल डैमेजेस। इंडेमनिटी होल्डर सारे प्रकार के क्षतिपूर्ति और डैमेजेस रिकवर कर सकता है। दूसरी बात, राइट टू रिकवर ऑल कॉस्ट, जितने तरह की कॉस्ट आएगी वह भी रिकवर कर सकता है। तीसरी बात, राइट टू रिकवर ऑल सम्स पेड। अगर मान लीजिए इंडेमनिटी होल्डर ने के ऊपर सूट फाइल हो गया, उसने अपने सूट के लिए कुछ पैसे चुकाने पड़े, चाहे वकील को देना पड़ रहा है, चाहे किसी पार्टी को देना पड़ रहा है, जो भी लीगल एक्सपेंसेस देने पड़ रहे हैं, वह सारे खर्चे किससे लेगा, जो गारंटी दे रहा है, मतलब जो इंडेमनीफाई कर रहा है उसको, जो प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब इंडेमनीफायर। अब देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में कुछ बात मैं आपको बता देता हूं। राइट टू रिकवर ऑल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब होता है कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन ब्रिंगिंग द सूट, मान लीजिए सूट को लाने में, प्रस्तुत वाद को प्रस्तुत करने में कोई खर्चा आ रहा है, वो भी लेगा। दूसरा, डिफेंडिंग द सूट, सूट को डिफेंड करने के लिए, मान लीजिए इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर किसी ने सूट फाइल कर दिया तो वह डिफेंड करेगा, या फिर इंडेमनिटी होल्डर के साथ किसी ने गलत कर दिया तो उसके खिलाफ सूट लाएगा। तो दोनों के खिलाफ इंडेमनिटी के अंदर जो भी खर्चे होते हैं, सारे खर्चे कौन रिकवर करेगा, इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, राइट टू रिकवर ऑल सम्स का मतलब क्या होता है, पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट। मान लीजिए इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर सूट फाइल हो गया, अब दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, उस कॉम्प्रोमाइज के अंदर भी अगर कोई पेमेंट वो दे रहा है तो वह जो अमाउंट दे रहा है वह भी वो रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से। आई होप अब आपको समझ में आ गए हैं कि राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, तीन तरह के राइट है। पहला बोल दीजिए सभी लोग, एक एक वर्ड में लिखेंगे कमेंट में। फर्स्ट राइट इज डैमेजेस को रिकवर करना, सेकेंड क्या है कॉस्ट, थर्ड क्या है ऑल सम्स। तो इतनी सी बात है, डैमेजेस, ऑल कॉस्ट, ऑल सम पेड, बस इतनी सी राइट है। तीन बातें आपको याद रखनी है। अब देखिएगा 124, 125 परफेक्टली आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं, सेक्शन 126 क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ध्यान से देखिएगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब होता है प्रत्याभूति की संविदा। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, यह पूछा गया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज गिवन अंडर विच सेक्शन, तो ये आपके HGS 2011 में पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपके किस सेक्शन में दिया गया है। तो आप सभी को आज से याद रखना है, गारंटी की शुरुआत कहां से होती है 126 से, और इंडेमनिटी की कहां से होती है 124 से, बस इतनी सी बात है। अब देखिए क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी को पता है, नाम में ही कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, टू परफॉर्म द प्रॉमिस। मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, या एक ऐसी संविदा है कि परफॉर्म कराने की, मतलब किसी संविदा के पालन करवाने की। ध्यान से देखिएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। सिंपल सी बात है, गारंटी क्या होती है, इसमें तीन पक्षकार होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें तीन पक्षकार होते हैं। एक तो होता है सियोरिटी, जो गारंटी देता है, ध्यान से सुनते जाइएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा, वरना आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज में जाएंगे और वहां पे सियोरिटी और ये प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर उतना पढ़ के ही आप छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा लगता है ये बहुत ही अलग दुनिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इजी लैंग्वेज बता रहा हूं। जैसे मैंने क्या बोला कि भाई तुझे कोई भी लॉस होगा ना, गारंटी लेता हूं, तो मैंने बोला एक दुकानदार को, बोला कि भाई दुकानदार इसको जो सामान ये बच्चा मांगता है इसको दो, को जो पेमेंट है मैं करूंगा, निश्चिंत रहिए आप, दीजिए जितना मांगता है ये। तो यहां पे मैं गारंटी दे रहा हूं कि भैया इस बच्चे को जो मांग रहा है पेमेंट कर दीजिए, या इस पर्सन को जो मांगता है पेमेंट कर दीजिए, तो जो मैं गारंटी दे रहा हूं मैं कहलाऊंगा सियोरिटी। आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए, मतलब जो गारंटर है, जो गारंटी दे रहा है वह कहलाएगा सियोरिटी। मैं गारंटी किसको दे रहा हूं, उस शॉपकीपर को, तो वह दुकानदार क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, जिसके रेस्पेक्ट में गारंटी दे रहा हूं कि बच्चे के रेस्पेक्ट में, वो बच्चा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डेटर। आई होप तीनों पॉइंट आपको अब प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। दुकानदार कौन है, क्रेडिटर, मैं कौन गारंटी दे रहा हूं, सियोरिटी, और बच्चा कौन है, प्रिंसिपल डेटर, दैट्स इट।
अब चलते हैं आगे। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली क्या हो गई, सियोरिटी हो गई, जिसे प्रतिभूति कहते हैं, प्रतिभू कहते हैं, माफ कीजिएगा, हाँ सियोरिटी हो गया। दूसरा कौन हो गया, प्रिंसिपल डेटर हो गया, जिसे मूल ऋणी के नाम से जाना जाता है। तीसरा कौन हो गया, क्रेडिटर, जिसे लेनदार के नाम से जाना जाता है। तो मैंने जो तीन पार्टियां बताई वही तीन पार्टी आपकी आ गई। अब देखिए लैंग्वेज फॉर्म में, हाँ पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो व्यक्ति गारंटी देता है वह सियोरिटी, और इसके बाद इस पे आइए सीधा, पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, जिस पर्सन को गारंटी दी जाती है वह क्या कहलाता है, क्रेडिटर। फिर बीच वाली बात देखिए, जिसके रेस्पेक्ट में गारंटी दी जा रही है वह क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डेटर। पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, मतलब अगर इस बच्चे ने गलती कर दी तो मैं पेमेंट करूंगा। तो यहां सियोरिटी कौन हो गया, गारंटर हो गया। किसको गारंटी देता है, क्रेडिटर को, किसके रेस्पेक्ट में, प्रिंसिपल डेटर के रेस्पेक्ट में। हाँ जी, तो स्ट्रेंजर जी का एक थम्स अप आना चाहिए, देख लीजिए। हाँ गारंटी जो होती है वह कैसे दी जा सकती है, वह ओरल मतलब मौखिक रूप से भी दी जा सकती है और वह रिटर्न में भी दी जा सकती है। बिल्कुल आपके डीजीएस 2014 में पूछा गया था, गारंटी कैन बी पहला ऑप्शन ओरल, दूसरा ऑप्शन रिटर्न, तीसरा ओरल और रिटर्न, तीसरा ओनली ओरल, मतलब ऐसा लिख दिया नन ऑफ द अबव। तो आपको ऑप्शन किसको टिक करना था, जहां पे और लगा हुआ था। गारंटी जो हो सकती है वह मौखिक ओरल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, रिटर्न में भी हो सकती है। बिल्कुल ओके, हाँ जी आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिएगा, अरे गारंटी क्या है, कुछ ऐसी तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी तो ऐसे ही हो सकता है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही तो है ये। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। देखिएगा, ए एंड बी गो इनटू अ शॉप, ए और बी कहाँ जाते हैं, एक शॉप में जाते हैं, ये रहा ए ये रहा बी, ये कहाँ जाते हैं, एक शॉप में जाते हैं, ठीक है, ये रहा आपका शॉप, एक दुकान में जाते हैं। अब क्या होता है, बी सेज टू द शॉपकीपर, बी ने बोला ए शॉपकीपर सुन लीजिए, लेट ए हैव द गुड्स, आई विल सी दैट यू आर पेड, ए डी हटा दीजिएगा, बिल्कुल ये गलत आया हुआ है, आई विल सी दैट यू आर पेड। बी ने इस दुकानदार को बोला, शॉपकीपर ए जितना सामान मांगता है ना दिल खोल के दो, मैं बैठा हूं मैं पेमेंट करूंगा। तो यहां पे क्या हो गया, मैं क्या कहना चाहता हूं, यह जो कॉन्ट्रैक्ट है यह कह रहा है पेमेंट मैं करूंगा, यही कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या सभी को क्लियर है या नहीं, सेक्शन 11, वेरी नाइस इंद्रेश वर्मा जी, हाँ सेक्शन 11 का प्रभाव होगा कि नहीं, यह भी प्रश्न आपका अभी आगे आने वाला है, कुछ देर वेट करिए, 11 को भी कवर कराऊंगा, कैसे इसका अफेक्ट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल हाँ, ये सभी को क्लियर है, डन है, एक बार फटाफट आप सभी लोग बता दें, हाँ जी डन है, आप तो बस सर आगे चलते जाइए, कोई इश्यू नहीं है। ओके, यति गुप्ता जी कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए, देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा कंसंट्रेशन के साथ, ए और बी दोनों दुकान पे जाते हैं, ठीक है, एक दुकान पे जाते हैं, इस शॉपकीपर को बोलते हैं कि बी शॉपकीपर को क्या बोलता है कि भाई दुकानदार ए जितना सामान मांगता है उसको दे दो, पेमेंट मैं करूंगा, आप ए से मत मांगिएगा क्योंकि मैं यहां पे पेमेंट करूंगा। तो ये क्या हो गया, अब ये यहां से सामान खरीद के घर चला गया, अब ए के पेमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, इस बी की है, तो बी ने यही गारंटी दी है एक तरह से, क्या गारंटी दी है कि आई विल पे द अमाउंट विच इज गिवन बाय ए, मतलब जो ए का अमाउंट होता है सारा का सारा मैं दूंगा। तो बी ने यह क्या दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दी है। आई होप सभी को अब क्लियर है या नहीं। ओके जी, क्या कह रहे हैं वर्मा जी, गुरुजी प्रॉमिस कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बाय सुप्रीम कोर्ट, प्रॉमिस कौन कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा आता है भैया, प्रॉमिसर प्रॉमिसी एक्सेप्ट करेगा, कंसीडरेशन आएगा तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। चलिए हाँ सर, नोवेशन अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी करा दीजिए, अरे चेरी जी मैंने सब कुछ करा दिया है, आप प्रीवियस क्लास में प्लेलिस्ट में चेक करिए। बिल्कुल हाँ ऋषु जी, क्या रिपीट करना है फटाफट बोलिए, ठीक है आप बता दीजिएगा मैं रिपीट कर दूंगा, डन, शायद मैं आपका मैसेज स्किप कर दिया हूं पढ़ाते टाइम, ठीक है अभी और एग्जांपल आएंगे, निश्चिंत रहिए, अभी तो एग्जांपल की झड़ी लग रही है, सिंपल सी बात है, अभी आगे देखिए और एग्जांपल लेके आता हूं।
बैंक गारंटी इज गवर्न्ड अंडर सेक्शन 126। जो बैंक गारंटी होती है वह भी कहां कवर होती है, 126 सेक्शन के अंदर। अब बैंक गारंटी क्या होती है वो देखिएगा, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, या एक तरह से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में होता है, एक बैंक के बीच में और दूसरा बेनिफिशियरी के बीच में। तो जो बैंक गारंटी दी जाती है वह भी किस में आएगा, वह भी सेक्शन 126 में कवर होगा। बिल्कुल जी। अब बात करते हैं सेक्शन 143 की, क्योंकि यहां इसका कनेक्शन जरूर बैठता है। ऋषु जी कह रहे हैं 125 सेक्शन रिपीट कर दीजिए। ओके, चलिए एक सेकेंड इनके लिए दे देता हूं, बिल्कुल वेट करिए सभी लोग। 125 क्या कहता है, जिस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दी जा रही है, किसको दी जा रही है, इंडेमनिटी होल्डर। अब इंडेमनिटी होल्डर को क्या प्रोटेक्शन दी जा रही है, कि भाई तुझे कोई भी डैमेज हो, तेरा कोई भी कॉस्ट हो, तू कोई भी पे करे, सारी जिम्मेदारी किसकी है, जो व्यक्ति उसको गारंटी दे रहा है, जो उसको इंडेमनिफाई कर रहा है, वह कौन है, इंडेमनिफायर। तो यहां पे सिंपल सी बात है, 125 में राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर है, जो प्रोटेक्शन के रेस्पेक्ट में है, कि सारे खर्चे, सारे इंडेमनिटी होल्डर के खर्चे कौन वहन करेगा, जो जो कह रहा था, प्रोटेक्शन दे रहा था, इंडेमनिफायर। ओके जी, अभी क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सी बात है। हाँ जी, चले आगे, फटाफट बताइएगा। अब देखिए 126 की बात आगे करते हैं, अब 143 की बात करते हैं। अब 143 का यहां से थोड़ा सा आगमन जरूर हो गया है। 143 धारा क्या कहती है, अ गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेंड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस। क्या कह रहा हूं, एक ऐसी गारंटी जो क्रेडिटर ऑब्टेन कर लेता है। देखो तीन पार्टियां थी, पहला कौन था, पहला था श्योरिटी, दूसरा कौन था डेटर, तीसरा कौन था क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को यहां पे प्रोटेक्शन मिल रहा था, किसके द्वारा, श्योरिटी के द्वारा। अब क्रेडिटर ने गारंटी तो ले ली श्योरिटी से, बट उस क्रेडिटर ने क्या किया, कुछ बातें छुपा के ली। जो क्रेडिटर था उसने कुछ बातें फ्रॉड कर ली, कुछ बातें कॉन्सीलमेंट किया, तो क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा, फटाफट बताएं। तो अ गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेंड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड, वह क्या हो जाएगा, अविधि मान्य होगा। बिल्कुल, अब आप सभी बताएंगे कि ऐसा पॉइंट मैंने कहां पढ़ाया था, फटाफट बताएं। कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल फैक्ट, जो मटेरियल फैक्ट को छुपाता है, यह किस सेक्शन में था, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी, फटाफट बता दें किस सेक्शन में यह बात बताई गई है, मटेरियल फैक्ट का कॉन्सीलमेंट हो रहा है, कोई छुपा रहा है, कौन सा सेक्शन आप कनेक्ट करेंगे। वेरी नाइस यति जी, आई होप सभी को ये बात समझ में आ रही है, डन। चलिए, तो छुपाना नहीं है भाई। अब देखिए एक चार्ट लेके आया हूं, अगर किसी को अभी भी किसी को कोई दिक्कत है उसे भी मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे एसेंशियल एलिमेंट्स बता रहा हूं, किसकी, गारंटी की। गारंटी में क्या एसेंशियल चीजें पाई जाती है, ध्यान से देखिएगा। सभी लोग राइट हैं, चलिए वेरी नाइस, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, तो एसेंशियल एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो एक तो होता है श्योरिटी, मतलब प्रतिभू। एक तो कौन होता है, श्योरिटी। श्योरिटी कौन होता है, जो गारंटी देता है, किसको, हु गिव्स द गारंटी। तो ये गारंटी किसको दे रहा है, इस व्यक्ति को, यह क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। बिल्कुल समझ में आ गया, यह गारंटी किसको दे रहा है, क्रेडिटर को। अब देखिएगा दूसरी चीज, जिसके रेस्पेक्ट में गारंटी दी जाती है वह क्या कहलाता है, वह कहलाएगा आपका प्रिंसिपल डेटर। बिल्कुल, जिसके रेस्पेक्ट में गारंटी दी जाती है वह कहलाएगा प्रिंसिपल डेटर, मतलब यह होता है आपका थर्ड पर्सन। इस व्यक्ति ने इस दूसरे को गारंटी दी है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, यह थर्ड पर्सन कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर। बिल्कुल, अब देखिए एक चीज इसमें बता रहा हूं, जो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है यह इंप्लाइड होता है, यह जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका एक्सप्रेस होता है। बिल्कुल, तो यहां दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। आपको सभी को यह बात क्लियर हो गई है। अब मैं आगे की बात बता दूं, इस चार्ट के माध्यम से बस मैं इतना समझाना चाहता हूं कि यहां पे एक व्यक्ति है जो गारंटी दे रहा है दूसरे को, वह कहलाएगा क्रेडिटर। जिसके थर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में गारंटी दी जा रही है वह थर्ड पर्सन आपका कहलाएगा प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि इसी तीन वर्ड पे पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी क्लास टिकी रहेगी। सो आई होप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब पूछी जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टियां होती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टियां होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, तीन पक्षकार इसमें पाए जाते हैं।
कौन कौन से तीन? पहला श्योरिटी, दूसरा प्रिंसिपल डेटर, तीसरा क्रेडिटर। आगे की बात चलते हैं। और इसमें ही तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब देखो भाई, तीन ही पार्टियां हैं और तीन ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें। कौन कौन से तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? एक तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में पहला, दूसरा इन दोनों के बीच में, तीसरा इन दोनों के बीच में। तो यहां पे कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट पाए जाते हैं जिनके नाम आपके सामने दिए गए हैं। पहला बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, दूसरा बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी, तीसरा आपका प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में। जो आपका ये पोर्शन है इसको ध्यान से देखिएगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? डेटर के बीच में और श्योरिटी के बीच में। यह इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे गर्भित संविदा कहते हैं। देख लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल अनिल जी, ध्यान से देखिएगा। जो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में हो रहा है, क्या कह रहा हूं, जो प्रिंसिपल डेटर मतलब क्या हुआ, इसके बीच में और इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वह कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वह इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट जो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में हो रहा है वह कौन सा है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल इसी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस श्योरिटी का नाम लिखा होता है। अब आप लोग पूछिएगा ना, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गारंटर का नाम लिखा होता है जो गारंटी दे रहा है। ओके जी, डन है सभी को? आई होप सभी को ये बात क्लियर हो गई है। शायद मैंने अनिल जी आपका जवाब दे दिया है, डन। ओके हाँ जी, हाँ हुमैरा जी, अभी माइनर को मैं लेके आने वाला हूं बहुत जल्द, वेट करिएगा, अभी आपकी क्लास में माइनर भी आएगा। चलिए अब देखिएगा, कंसेंट ऑफ थ्री पार्टीज, तीनों पक्षकारों द्वारा यहां पर सहमति भी होनी चाहिए। अब देखिए, यहां पे फ्री कंसेंट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहां पे श्योरिटी डिस्टिंक्ट होता है, मतलब श्योरिटी की जो डिस्टिंक्ट प्रॉमिस टू बी आंसरेबल, मतलब अपनी श्योरिटी ने जो जिम्मेदारी दी है, जो गारंटी दी है, उसके लिए वह सेपरेटली आंसरेबल है, वह खुद जिम्मेदार है। आगे की बात, इसमें कंसीडरेशन जो होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रतिफल पाया जाता है वह मस्ट होता है। यह बात आपके सेक्शन 127 में दी गई है कि कंसीडरेशन होना कंपलसरी है। लायबिलिटीज टू बी लीगली एनफोर्सिएबल, बिल्कुल यहां पे जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वह लीगली एनफोर्सिएबल है, डेटर की भी लायबिलिटी पूरी तरह से कानूनन एनफोर्सिएबल है। तो कहने का मतलब, ये जो पूरी टॉपिक्स थी भैया, ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट के ही एसेंशियल एलिमेंट है जो आके चिपक गए हैं बस। अब आगे की बात करते हैं, देखिएगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है? अनुबंध करने की क्षमता। क्या कह रहा हूं? अनुबंध करने की क्षमता। हाँ प्रीति जी, 143 अभी आपका आगे और अच्छे से आएगा, निश्चिंत रहिएगा, वहां कवर कर लेंगे। सर प्रिंसिपल डेटर माइनर हो सकता है? बिल्कुल, अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दिल थाम के सभी लोग बैठो तो सही भाई, अभी तो मैं एसेंशियल एलिमेंट पे हूं, अभी सारी चीजें आपकी वन बाय वन कवर करते जाऊंगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, देखते जाइए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लीजिए आ गया सेक्शन 11 जो बात कर रहे थे, अनुबंध करने की क्षमता, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जनरली ऑल पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सामान्यतया क्या होता है, सभी पार्टियां क्या होती हैं? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। मैं जनरल बात बोल रहा हूं, श्योरिटी भी मेजर होगा, प्रिंसिपल डेटर भी मेजर होगा, क्रेडिटर भी मेजर होगा, ये तो जनरल बात है। बट आगे की बात आप सुनिएगा, कभी कभी क्या होता उसको बताऊंगा, अभी मैंने जनरल बात बताई। जनरली ऑल द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्षमता उनका अनिवार्य है, मतलब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। दूसरी बात देखिए, हाउएवर फिर भी, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द प्रिंसिपल डेटर, underline it, the principal debtor may not be a person competent to contract, but क्या हो सकता है, जो आपका principal debtor है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका principal debtor है may not be a person competent to contract, वह व्यक्ति हो सकता है जो competent to contract नहीं हो। तो यहां पर यह बात आपकी आ गई है कि principal debtor minor भी हो सकता है, बिल्कुल, बट इन जनरल कंडीशन नहीं होना चाहिए, बट हां क्या हो सकता है? यस yes, बिल्कुल ये हो सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है ये, हाँ, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द प्रिंसिपल डेटर मे नॉट बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल डेटर वह व्यक्ति हो सकता है जो क्या है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब वो माइनर है। बट हिज, आगे देखिएगा, बट हिज इनकैपेसिटी शुड बी इन द नॉलेज ऑफ द श्योरिटी, बिल्कुल यह आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपकी बोल रही है। हाँ जैसे मैं गारंटी दे रहा था, ध्यान से सुनिएगा, मैं गारंटी उस पर्सन के लिए दे रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये बच्चा है,
अगर मुझे ये नहीं पता है कि ये माइनर है और मैंने गारंटी दे दी, तो यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बिल्कुल नहीं कवर होगा। हाँ जी, अगर मुझे पता है कि ये बच्चा माइनर है फिर भी मैं इसकी गारंटी कर ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ। अरे दुकानदार पे, एक शॉपकीपर, एक शॉप पे एक बच्चा गया दुकान पे, मैंने जैसा एग्जाम्पल दिया, सामान खरीदने। मैंने कहा ठीक है लेने दो इसको, जो लेता है मैं पेमेंट करूंगा। तो यह भी क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ। वह बच्चा कौन हुआ? माइनर हुआ। तो यहां पे बिल्कुल, यहां पे क्या है, जो प्रिंसिपल डेटर है वह माइनर 100% हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बधाई हो। तो यहां पे बच्चा भी एकदम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। आई होप अब सभी लोग बता दे कि हाँ जी अभी परफेक्ट हो गया है। अब आगे बताइए सर जी। हाँ क्या कह रहे हैं मोनू जी? ठीक है जी, आपके बातों को मोनिका जी, आपके पूरे बातों को मैं ध्यान से रखूंगा। आपकी एक एक बात बहुत वैल्यूएबल है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में भी बोलूं। इसके पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, आप आवाज उठाइए, मैं आपके साथ हूं। तो चलिए अब हिंदी में भी चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा, डन। बिल्कुल, मैं थोड़े बहुत टर्म्स हिंदी में भी अब यूज करूंगा। ओके जी, हाँ, तो अनुबंध करने की क्षमता क्या है? अगर कोई भी बच्चा अप्राप्त वय है, माइनर है, तो वह अभी यहाँ कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल जी, अब आगे की बात करते हैं, फिर भी आप कंटेंट देख लीजिएगा, हिंदी में मिल जाएगा। अब देखिएगा, एक केस है आपका काशिबा वर्सेस श्रीपाल का, 1985 का यह केस है, काशिबा वर्सेस श्रीपाल का। अब इस केस में क्या बात बोली गई थी चेरी जी? बिल्कुल, आप अभी, आपको टिप्स मैं अब यहां पे नहीं दे पाऊंगा, आपको बता दूंगा। जो भी आपकी क्वेरी हो आप प्लीज पूछ लीजिएगा टेलीग्राम के माध्यम से। ओके ऋषि जी, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में पढ़ाऊंगा, एकदम एकदम इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेके चलूंगा, ठीक है? हाँ, अब हिंदी के लिए एक बार सभी लोग एक बार हिंदी के लिए जय हिंद लिख दे, तो मैं आपको हिंदी को भी प्रॉपर कराऊंगा जी। फटाफट एक बार कह दे जय हिंद, अब क्लास को स्टार्ट करो सर, वापस से एकदम परफेक्ट तरीके से। तो एक बार मैं वापस से क्लास आपको डिग्लॉट भाषा में, जिसको हम कहते हैं बायलिंगुअल, स्टार्ट कर देता हूं। हाँ जी, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स को हिला दो, जो मैं चाहता हूं। बिल्कुल, दिल खुश हो जाता है जी ये मैसेज देख के आप सभी का। हाँ आगे चलते हैं, वेरी नाइस। अब देखिएगा, अब देखिए थोड़ा हिंदी की बात आई थी, हिंदी आपका है छुपा हुआ है, मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ और अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा। इन सच अ केस द श्योरिटी, श्योरिटी का मतलब कौन हो गया? जो प्रतिभू है आपका, बिल्कुल जो प्रतिभू है उसकी बात कह रहा हूं। इन सच अ केस द श्योरिटी इज रिगार्डेड एज प्रिंसिपल डेटर एंड इज पर्सनली लायबल टू पे द डेट। ऑल्दो द प्रिंसिपल डेटर, मतलब जो माइनर है, इज नॉट लायबल टू पे। अब इस पूरी बात को ध्यान से आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, यह कौन है? यह श्योरिटी है, मतलब यह कौन है? यह आपका प्रतिभू है। दूसरी बात देखिएगा, दूसरा व्यक्ति जो आपका है वह कौन है? प्रिंसिपल डेटर है, पीडी लिख रहा हूं, ठीक है। तीसरा व्यक्ति कौन था आपका? क्रेडिटर है, इसको भी बना देता हूं यहां पर, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है? अगर आपका प्रिंसिपल डेटर जो है वह कौन है? वह माइनर है, बिल्कुल वह छोटा बच्चा है, अप्राप्त वय है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में ये कह रहा है, अगर सियोरिटी के ये दिमाग में, ये दिमाग है इसका, अगर सियोरिटी के दिमाग में ये पता है, नॉलेज है कि ये बच्चा है और यह व्यक्ति इसकी गारंटी ले रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि यह सियोरिटी इसकी प्लेस पे आ जाएगा। अब इसकी जितनी भी लायबिलिटी है वह किसकी हो जाएगी? वह इस व्यक्ति की हो जाएगी। तो मतलब बच्चा छुप जाएगा, सियोरिटी आगे आ जाएगा। जो जो गोली इसके ऊपर चलेगी वो पहले सियोरिटी को लगेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब प्रिंसिपल डेटर की जगह किसने ले ली है? सियोरिटी ने ले ली है। आई होप सभी को ये क्लियर है या नहीं, फटाफट बता दे। हाँ जी, यहां तक सभी को क्लियर है? इस यही सेम फैक्ट की बात जो बताई गई थी, आपके केस था ये, कि जो काशिबा वर्सेस श्रीपाल का केस था, इसमें प्रॉपर तरीके से बताई गई थी। अब आगे की बात करते हैं। हाँ जी, अब इसमें देख लीजिएगा, बिल्कुल ललिता जी, हमारी सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप सभी की ब्लेसिंग हमारे साथ बनी रहनी चाहिए। सभी लोग एकदम आगे बढ़े, तरक्की करें। अब आगे चलते हैं, वेरी नाइस। देखिए, लिंकिंग रेगुलर बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 13 अप्रैल 2002 से, कमिंग सून है। सो आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, अब आगे की बात करते हैं। हाँ,
सेक्शन 127 क्या है, ये इंफॉर्मेशन थी आपके बैच की जो स्टार्टिंग है, जो कब से स्टार्ट हो रही है, 13 अप्रैल 2022 से। ओके जी, अब आगे की बात करते हैं। सेक्शन 126 तक किसी को दिक्कत नहीं है, अब सेक्शन 127 पे आ जाते हैं और फटाफट रैपिड तरीके से आगे को फिनिश करते हैं। देखिएगा सेक्शन 127 क्या कहता है, देखिए कोई भी क्वेश्चन अनिल जी है, मुझे प्रॉपर तरीके से उसके सर्कमस्टांसेस के साथ प्रॉपर क्वेश्चन बना के दीजिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं हो सकता है, उसके सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अप्लाई होगा या नहीं होगा। सो अपना क्वेश्चन प्रॉपर फ्रेम करके मुझे जरूर टेलीग्राम पे आप भेज दीजिएगा। हाँ जी, और आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ, आज की क्लास जो 8 बजे होने वाली है, कितनी बजे, 8 बजे अन अकेडमी ऐप पे, देखिएगा आपको ऊपर लिंक दिया होगा, सभी को विजिबल है, जो ऊपर आपको लिंक दिया हुआ है वहां पे आप जाके 8 बजे फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास के नाम से है, बिल्कुल आप सभी लोग आराम से आके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरे क्वेश्चंस को डील करूंगा, जिसमें इंडेमनिटी और गारंटी के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ओके जी, तो आप सभी 8 बजे जरूर वहां पे प्रेजेंट रहिएगा। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन 127 क्या कहता है, कंसिडरेशन फॉर गारंटी, क्या गारंटी में कंसिडरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फटाफट आप लोग बता दें यार, 127 अभी जस्ट बताया था मैंने बातों बातों में, क्या गारंटी के अंदर प्रतिफल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ जी, फटाफट बताएं, क्या गारंटी के अंदर कंसिडरेशन है जरूरी या नहीं। बिल्कुल, ये आपके 8 बजे वाली क्लास फ्री है, आप वहां पे आराम से आ सकते हैं, वहां पे मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं, जहां पे आपके डाउट्स, आपकी डिमांड पे क्लास कंडक्ट करता हूं, बिल्कुल, कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आई, बता दीजिए, क्लास कंडक्ट। ओके जी, जूली जी थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिशिएशन। क्या कह रहे हैं ऋषु जी, सेक्शन 1 शुरू होगी सर, मैंने सेक्शन 1 से लेके सारी चीजें कवर कराई है ऋषु जी, एक बार आप जाके जरूर वहां पे चेक करिएगा। ज्योति जी आई डोंट नो मराठी, बट इतना ही कहूंगा, मुगली शिगली प्रगति झारी, शायद यही कहते हैं, अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, आप सभी को जय महाराष्ट्र, मैं इतना ही चाहता हूं, राइट, जय हिंद, जय भारत एंड जय महाराष्ट्र। ओके ज्योति जी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब टॉपिक की बात करते हैं, आइए अब देखिएगा, कंसीडरेशन फॉर गारंटी मतलब गारंटी में होना चाहिए क्या, बिल्कुल, इट इज मस्ट, यह अनिवार्य है, एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड, मतलब अगर कोई भी चीज करी गई है या कोई प्रॉमिस किया गया है, जैसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तू दुकानदार इसको पैसा दे, जितने मतलब पैसा क्या देगा यार, तू दुकानदार उसको सामान दे, जो पैसा होगा वो मैं दूंगा, एक्चुअली क्या पैसा देने का मन नहीं करता है, तो समझे, हाँ बिल्कुल, मुलगी मुलगी बिल्कुल, हाँ ओके जी, चलिए, मुगली होता है, मुगली शिगली प्रगति झाली। ओके जी, हाँ ये बहुत अच्छी लाइन मेरे को लगी थी, मैंने पूछा था किसी से कि इसका मतलब क्या होता है, हाँ बिल्कुल, मुगली शिगली प्रगति झाली, इसका मतलब होता है कि अगर लड़की पढ़ेगी तो हमारा देश, हमारी ये पूरी जो भी है कौम आगे बढ़ेगी, राइट। अब आगे की बात करते हैं। ओके ओके जी, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब आता नहीं है, मारवाड़ी आ सकती है, मारवाड़ी कहो तो मारवाड़ी में कहूँ भाई, कई हाल है, राम राम सबने। ओके जी, अभी तो जोधपुर में हूँ, तो अब मैं मराठी और ये गुजराती तो नहीं बोल पाऊंगा, आई होप मैं इंग्लिश और हिंदी में समझा देता हूँ। चलिए, कंसीडरेशन फॉर गारंटी आप सभी के लिए क्या होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल, हाँ अनिवार्य है क्या, 100% कंसीडरेशन जो होता है गारंटी में वो अनिवार्य है। अब यह कंसीडरेशन किस फॉर्म में हो सकता है, यह इस फॉर्म में हो सकता है, कोई भी चीज आप कर रहे हैं या आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, वह अपने आप में प्रॉमिस क्या है, एक गारंटी के अंदर आता है, यह अपने आप में एक कंसीडरेशन है जो आप वादा कर रहे हैं, बिल्कुल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी अ सफिशियंट कंसीडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी, मतलब मूल ऋणी के रेस्पेक्ट में जो भी वचन आप दे रहे हो, जो भी प्रॉमिस कर रहे हो, वो अपने आप में क्या है, कंसीडरेशन है, बिल्कुल, सभी को डन, बिल्कुल तृप्ति जी, एमसीक्यू टेस्ट अभी चल रहा है आपका, काफी मैंने 4-5 टेस्ट ले रखे हैं, बिल्कुल, अब आगे चलते हैं।
हाँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आके वहां पे अनअकैडमी ऐप पे पढ़िएगा। अभी फटाफट अपन डील करते हैं। देखिए 1 घंटा के आसपास होने जा रहा है, अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, फटाफट एक बार 147 तक पहुंचाते हैं अपनी क्लास को। डन, आइए आगे। हाँ ज्योति जी, मैं समझ गया हूँ, डन, थैंक यू, ओके। हाँ हाँ, जो आप कह रहे हैं वही विचार मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, ओके जी। हाँ, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। बी रिक्वेस्ट ए, बी किसको रिक्वेस्ट करता है? ए को, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट करता है? टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा आया है। हाँ बिल्कुल, कंसिडरेशन 2D में इंद्रेश जी, अब यहां देखिए, बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहां बी जो है, बी ए को कहता है, भाई ए, मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तू गुड्स तेरे पास जो है उधार में दे दे। आगे देखिए, अब देखिए, एग्रीज टू डू सो, मतलब यहां जो ए है वह ऐसा करने के लिए एग्री हो गया। प्रोवाइडेड सी विल द गारंटी, विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। मतलब क्या कह रहा है? क से ख माल उधार बेचने और परिदत्त करने की प्रार्थना करता है, ठीक है। तो यहां क कौन है? आप ए हो गया, और ख कौन है आपका? बी हो गया। तो ए से बी माल उधार बेचने, देखिएगा ए से बी कह रहा है, तो मतलब ये बी किसको बोल रहा है? ए को। कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल एकदम आराम से बता रहा हूं। बी रिक्वेस्ट कर रहा है ए को, भाई तू उधार में माल बेच दे। आगे देखिए, हाँ ये कहता है, ए ये कहता है भाई कि हाँ मैं एग्री हूं, मैं बेच दूंगा। ये कह रहा है कब ऐसा करने को इस शर्त पर रजामंद हो जाता है कि ग माल की कीमत के संदाय की प्रत्याभूति दे, ठीक है। मतलब एग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। मतलब ये कह रहा है भैया, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उधार में माल मुझे दे दे, ये कह रहा है भाई सी को बोल वो मुझे गारंटी दे दे, अगर ये गारंटी सी दे देता है मैं उधार में दे दूंगा। तो यह भी किसका एग्जाम्पल हो गया? बिल्कुल आपका कंसिडरेशन। यहां पर जो गारंटी दे रहा है अपने आप में क्या है? कंसिडरेशन है। आई होप सभी को समझ में आ गया। मैंने उसको बोला, दुकानदार को, मुझे उधार में माल दे दे, उसने बोला ये इस भाई से गारंटी दिला दे, मैं दे दूंगा। उस भाई ने गारंटी दे दी, उसे माल दे दिया। बस ये सिंपल सा गारंटी का एक एग्जांपल था। आगे की बात करते हैं। यहां देखिए अभी कंटिन्यू चल रहा है, सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रोमिस टू डिलीवर द गुड्स, दिस इज सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रोमिस। मैंने इस पूरे एग्जाम्पल को लैंग्वेज फॉर्म में आपको समझा दिया मेरे तरफ से। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। अब नोट की बात देख लीजिएगा। However, there need not be any direct and separate consideration between the surety and the creditor. ये कह रहा है जो एक surety होता है और जो एक creditor होता है, जो ये इसको guarantee दे रहा है किसके respect में? Principal debtor के respect में। वह direct या कुछ अलग से होने की जरूरत नहीं है। इसी contract के अंदर normal जो वचन दे रहा है, जो वह promise कर रहा है, वही अपने आप में क्या है? एक गारंटी है। कोई सेपरेट गारंटी देने की, मतलब सेपरेट कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, एक एग्जांपल से और इसको समझते हैं। सभी लोग एक बार परफेक्ट बताइए, क्या समझ में यहां तक? डन है तो मैं आगे की बात करूं। यहां तक कोई इशू नहीं है? सी को क्या प्रॉफिट होगा? देखिए यहां पे क्या होता है कि यहां प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं देखी जाती है। बस एक गारंटर है जो गारंटी दे रहा है। गारंटी क्यों दे रहा है? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को सफल करवाना है, बस। ओके, बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल से बात करते हैं। ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी। ए क्या करता है? बी को कुछ सेल या डिलीवर करता है। बिल्कुल चलते हैं। ए ने क्या कर दिया? बी को कुछ सेल किया है और डिलीवरी की रही है गुड्स की। यहां तक समझ में आ गया? अब दूसरी बात देखिएगा। सी आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्ट ए टू फॉर बी ए टू सी बी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा। ए क्या करता है? सेल कर रहा है गुड्स। किसको कर रहा है? ये बी को। अब आगे की बात देखिएगा। सी आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्ट, अब एक सी व्यक्ति है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसको? ए से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? ध्यान से देखिएगा, रिक्वेस्ट ए टू फॉर बी ए टू सी बी। हाँ, ये सी भाई है जो ए को कह रहा है, अरे ए भैया आप बी के खिलाफ क्या करो, आप बी के खिलाफ सूट फाइल मत करना। इतना बात याद रख लो आप। हाँ, तो सी जो है वो बी को, सी जो है ए को क्या कह रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई ए आप बी के खिलाफ क्या नहीं करेंगे? सूट फाइल नहीं करेंगे, वाद प्रस्तुत नहीं करेंगे। क्यों वाद प्रस्तुत नहीं करेंगे? देखिएगा, बिल्कुल आधे घंटे और चलेगी क्लास। हाँ देखिएगा,
अब यहां दूसरी बात क्या आ रही है, सी आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्ट ए टू फोर बी टू सी बी फॉर द डेट फॉर अ ईयर एंड प्रोमिसेस दैट इफ ही डज सो सी विल पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बी। सिंपल सी बात है, सी ने रिक्वेस्ट किया किसको, ए को, कि भाई ए तेरा जितना पेमेंट ड्यू है मैं गारंटी लेता हूं, मैं पे करूंगा, अगर बी पे करने में असफल हो गया तो बस तेरे को एक काम करना है, इसके खिलाफ एक साल तक आपको सूट फाइल नहीं करना है, यू हैव टू वेट फॉर अ वन ईयर। अगर इसने एक साल में पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दी तो ये पेमेंट की गारंटी मेरी है, ये कहता है कौन, सी कहता है। तो यहां पे ए एग्रीज टू फोर बी ईयर एज रिक्वेस्टेड, ए ने भाई क्या हो गया एग्री हो गया कि हाँ भाई मैं सूट फाइल नहीं करूंगा, फिर दिस इज अ सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। तो यहां पे जो ये एग्री हुआ है यह सफिशियंट कंसिडरेशन में आएगा। बिल्कुल सभी को बात समझ में आ गई, क्या कंसिडरेशन नहीं है, बिल्कुल है, मैंने कहा सूट फाइल मत करना, ये जो मैं वचन कर रहा हूं, जो मैं ऑफर दे रहा हूं और वो एक्सेप्ट कर रहा है, ये अपने आप पे क्या है, कंसिडरेशन है, सफिशियंट कंसिडरेशन में आएगा। देखिएगा सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, ए सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बी, ए क्या करता है, कोई गुड्स को सेल करता है और डिलीवर करता है किसको, बी को। ध्यान से देखिएगा, सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी। अब यहां पे सी आ जाता है, सी क्या कहता है बाद में कि अब ध्यान से देखिए मामला ही गड़बड़, सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसीडरेशन, क्या कंसीडरेशन मस्ट है या नहीं है, फटाफट बता दे। हाँ जी, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसीडरेशन जरूरी है या नहीं। एग्जाम्पल कह रहा है विदाउट कंसीडरेशन सी कर रहा है यह सारा काम, तो जहां पे भी विदाउट कंसिडरेशन आ जाता है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यह क्या हो गया, यह आपका वॉइड हो जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। आई होप सभी को यह बात समझ में आ गई कि यह एग्जांपल क्या है, यह एग्जांपल अपने आप में वॉइड है जी। हाँ जी, सभी को क्लियर। अब आज का सबसे महत्वपूर्ण, मैं क्या कह रहा हूं, आज का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। हाँ, मैं आपको यह सेक्शन मेंस के पर्सपेक्टिव से प्लस प्री के पर्सपेक्टिव से समझाने वाला हूं। हाँ, यह मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, प्लस प्री में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों पर्सपेक्टिव से अभी हम 10 मिनट में क्लियर करते हैं। देखिएगा सेक्शन 128 कह रहा है श्योरिटीज लायबिलिटी, मतलब क्या हो गया, प्रतिभु का दायित्व तो कितना है, जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है उसका आखिर दायित्व तो कितना है, एक लिमिट तो होगी उसकी, ऐसा तो नहीं उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। हाँ बिल्कुल, ध्यान देखिए, अब कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को मैं क्या कह रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स को यही कंसंट्रेशन करना है, बिकॉज एक बार ये स्लिप हुआ तो गया, बट मैं स्लिप होने नहीं दूंगा, एकदम घर की भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जूम वूम सब हो जाएगा, क्वालिटी एक बार आप अप कर दीजिए। देखिए सेक्शन 128 कह रहा है श्योरिटीज लायबिलिटी, मतलब जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है उसका दायित्व तो कितना है, तो बता देता हूं, इट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, जितना ये कह रहा है जो श्योरिटी है आपका उसकी लायबिलिटी को एक्सटेंसिव है प्रिंसिपल डेटर की, जनरल बात यही है, कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है उसके रेस्पेक्ट में जितनी मैं गारंटी दे रहा हूं मेरी भी उतनी होगी, दैट्स इट, ये सिंपल सी बात हो गई, जनरल बात हो गई, बट इसके श्योरिटी को प्रोटेक्ट किया गया है यहां पे, टू लिमिट हिज लायबिलिटी बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कहने का मतलब ये हुआ कि जो श्योरिटी होता है अगर उसको ये डर है कि भाई ये प्रिंसिपल डेटर के चक्कर में तो मैं फंस भी सकता हूं, कल को ये पेमेंट ही नहीं दिए ब्याज भी ब्याज लगता रहेगा मैं कितना पे करूंगा, तो ये क्या कर सकता है, अपनी लायबिलिटी को लिमिट भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कैसे कर सकता है, इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार से एक श्योरिटी अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर सकता है, ध्यान से देखिएगा, पहला प्रकार क्या है इसको मैं बता देता हूं, बाय गिविंग गारंटी फॉर द एंटायर डेप्ट, अगर मैं टोटल डेप्ट की गारंटी दे दूं, क्या कह रहा हूं, टोटल डेप्ट की, टोटल लोन की गारंटी दे दूं, कैसे गारंटी दूंगा, सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ फिक्स्ड सम, अगर मैं क्या कर रहा हूं, फिक्स्ड सम की गारंटी दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फिक्स्ड सम, फिक्स्ड सम का मतलब क्या हो गया, मैंने कह दिया कि भाई 1 लाख इसने व्यक्ति ने आपसे लिया है, 1 लाख ये वापस पे कर देगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। हाँ, अब मैं 1 लाख से ऊपर की गारंटी नहीं लूंगा, 1 लाख तक की मेरी लिमिट फिक्स होनी चाहिए। अब मेरी बात को सुनिएगा, क्या 1 लाख पे जो ब्याज होगा वो ये पे करेगा क्या, फटाफट बताएं, अगर इसने कह दिया मेरी गारंटी 1 लाख होगी फिक्स,
इसके ऊपर नहीं। तो अगर मान लो इसने अगले व्यक्ति ने पेमेंट नहीं किया तो क्या 1 लाख से ऊपर जो ब्याज लगेगा वह यह लायबल है क्या पे करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह ब्याज पे नहीं करेगा, यह 1 लाख तक के लिए सिर्फ जिम्मेदार होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है वो देखिएगा, बाय गिविंग गारंटी फॉर अ पार्ट ऑफ द एंटायर डेप्ट। अगर मैं क्या करूंगा, एक डेप्ट है मान लीजिए 2 लाख का, या मान लीजिए 4 लाख का एक डेप्ट है, उसका पार्ट कितना है 2 लाख, उतने की ही मैं गारंटी ले रहा हूं। 4 लाख में से मैंने कहा भाई मेरी गारंटी सिर्फ 2 लाख तक सीमित रहेगी, तो मैं कितने तक लायबल रहूंगा, सिर्फ 2 लाख तक। तो इस तरह से श्योरिटी अपनी लायबिलिटी को क्या कर सकता है, लिमिट कर सकता है, बाय फिक्सिंग द अमाउंट और बाय एक्सेप्टिंग ओनली अ पार्ट ऑफ डेट। ओके जी, हाँ ओके। अब देखिएगा दूसरी बात, अब इसमें मैं आप सभी को दूसरी बात बता देता हूं क्या है इंपॉर्टेंट। हाँ, अब दूसरी बात यह है इसमें कि ये पॉइंट को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो जनरल बात थी कि क्या जो श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी होती है, तो प्री में पूछा जाता है द श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। मतलब जो प्रतिभू का दायित्व है वह मूल ऋणी के दायित्व के सम विस्तीर्ण होता है। अब क्वेश्चन मेन से पूछेगा क्वेश्चन मार्क, बताइए कैसे। तो चलते हैं आगे। हाँ, कैसे को एक्सटेंसिव होता है देखिएगा, को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर कैसे होता है देखिए, इफ द प्रिंसिपल डेटर्स लायबिलिटी इज रेड्यूस्ड, मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी जो दायित्व है उसे रेड्यूस कर दिया गया है, रेड्यूस का मतलब होता है उसे अगर घटा दिया गया है, तो जो आपका है श्योरिटी की लायबिलिटी इज ऑल्सो रेड्यूस टू दैट एक्सटेंट। कहने का मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी को रेड्यूस घटाया गया है तो जो श्योरिटी है, जो आपका प्रतिभू है, उसका भी दायित्व उतने से ही लेस हो जाएगा, कोई नहीं, बिल्कुल इक्वल इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कि भैया जो आपका श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के साथ को एक्सटेंसिव है। आई होप सभी को यह बात समझ में आ गई, इन जनरल बात बताइए। अब इसके आगे और बताऊंगा, फटाफट मुझे यहां तक बताएं कि आप सभी को यह चीज परफेक्टली क्लियर हो गई है कि हाँ प्रिंसिपल डेटर 1 लाख के लिए लायबल था, वो भी 1 लाख के लिए लायबल होगा। अब एग्जाम्पल देता हूं, प्रिंसिपल डेटर से क्रेडिटर 1 लाख रुपए मांगता था कि भाई तूने 1 लाख रुपए दिया है, गारंटर ने 1 लाख की गारंटी ले ली। अब प्रिंसिपल डेटर क्या करता है, उसके पास फर्नीचर था 50,000 का, उसने जिससे लोन लिया था उसको 50,000 का फर्नीचर दे देता है और वो ले लेता है उस लोन के रेस्पेक्ट में, तो उसका लोन अमाउंट 1 लाख से कितना हो जाएगा, 50,000। अब जैसे ही उसका लोन अमाउंट 50,000 हो गया तो क्या सियोरिटी का 1 लाख तक बना रहेगा लायबिलिटी? नहीं, सियोरिटी की भी गारंटी 50,000 से कम हो जाएगी और वह 50,000 के लिए लायबल रहेगा। दैट्स इट, आप सभी को क्लियर है, फटाफट बता दे डन है या नहीं। अब देखिएगा, मैं वापस से एक बार बता दे रहा हूं, इक्वल इफेक्ट रहेगा। को एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है ध्यान से देखिएगा, को एक्सटेंसिव का मतलब इतना ही है, अगर प्रिंसिपल डेटर का 1 लाख का लोन तो श्योरिटी 1 लाख के लिए भी लायबल होगा, अगर प्रिंसिपल डेटर का 1 लाख जो है वो कम हो गया 80,000 पे आ गया तो श्योरिटी भी 80,000 पे आ जाएगा। बिल्कुल विकास जी, रिपीट ही तो कर रहा हूं, हाँ आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जिसने लोन लिया है उसने मान लो 50,000 का पेमेंट कर दिया तो कितना हो गया 1 लाख में से 50,000, तो अब वो 50,000 के लिए लायबल रहेगा। देखिए ध्यान से बता रहा हूं, श्योरिटी है आपका ये, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखिएगा, ये डेटर है, हाँ ये प्रिंसिपल डेटर है आपका। अब इसके इसके लिए गारंटी इसने ली है श्योरिटी ने, अब मान लीजिए 1 लाख इसको देना था किसको, इस क्रेडिटर को, बट इसने क्या किया, अपना फर्नीचर इसको दे दिया, कितने का था वो मान लीजिए 20,000 का, ठीक है, तो अब इसका लोन कितना बचा 80,000 का, तो यहां पे श्योरिटी की भी लायबिलिटी पहले 1 लाख की थी, अब कितने की हो जाएगी -20,000, तो इसकी भी लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 80,000। तो इट इज कॉल्ड कि दोनों की लायबिलिटी कैसी है, को एक्सटेंसिव है। क्या सभी को समझ में आया या अभी भी नहीं आया, इतना इजी एग्जांपल मैंने लेके क्लियर कर दिया है जी। हाँ जी, फटाफट बता दे एक बार सभी। बिल्कुल जी, किसी के समझ में कैसे नहीं आएगा, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये आपका पूरा क्लियर हो गया है। अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस की बात कर रहा हूं, देखिए इन फॉलोइंग सिचुएशंस, मतलब को एक्सटेंसिव किस सिचुएशन में होगा, क्वेश्चन आता है ध्यान से सुनिएगा,
कब कब श्योरिटी की लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर से को एक्सटेंसिव होती है, उन सिचुएशंस को बताओ। ध्यान से देखिएगा, इसके निम्न सिचुएशंस है। पहला, जब क्रेडिटर ने क्या कर लिया है, रिकवर कर लिया है अ पार्ट ऑफ सम आउट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर्स प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल डेटर का फर्नीचर ले लिया 20,000 का, तो जितने से वो लेस हो रहा है उतने से ही आपकी सिक्योरिटी की लायबिलिटी कम हो जाएगी। पहला पॉइंट तो सेम है, व्हेन द क्रेडिटर हैज रिकवर्ड अ पार्ट ऑफ द सम आउट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर्स प्रॉपर्टी। अगर प्रिंसिपल डेटर की प्रॉपर्टी से कोई भी सम रिकवर हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, उतने अमाउंट से आपका सिक्योरिटी का अमाउंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, When principal debtor's liability is extinguished or reduced by statute, अब एक विधि की बात कर रहा है। अगर principal debtor की liability को कानून के द्वारा बोल दिया गया, अरे भाई creditor इसकी liability 1,00,000 की नहीं है, इसकी liability सिर्फ 20,000 की है, कोई नहीं 80,000 आपने गलत इल्जाम लगाया है, अगर किसी स्टेट्यूट के द्वारा भी उसको बोल दिया गया प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी क्या हो गई है, या तो कम हो गई है या फिर पूरी खत्म कर दी गई है, तो उस सिचुएशन में अगर रेड्यूस हुई है तो सिक्योरिटी की भी लायबिलिटी रेड्यूस, अगर खत्म हो गई है तो सिक्योरिटी की भी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। दैट्स इट। अब तीसरा पॉइंट, व्हेन बाय डिक्री और डिक्री ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट ने कोई डिक्री पास करी है, क्या कह रहा हूं, कोर्ट ने कोई डिक्री पास करी है प्रिंसिपल डेटर, देखिए व्हेन बाय डिक्री ऑफ कोर्ट प्रिंसिपल डेटर्स लायबिलिटी रेड्यूस, अगर कोर्ट के डिसीजन डिक्री के द्वारा किसी की लायबिलिटी कम हुई है, तो अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी को कम कर दिया तो सिक्योरिटी की भी लायबिलिटी कम। तो पहले में कुछ नहीं था, स्टेट्यूट के द्वारा कम हो गया, कोर्ट के ऑर्डर से कम हो गया। फिर देखिएगा चौथा पॉइंट, लायबिलिटी इज हेल्ड टू बी इलीगल बाय कोर्ट, कोर्ट ने कह दिया ये लायबिलिटी ही इलीगल है तो कुछ रुपया नहीं देना पड़ेगा। जब प्रिंसिपल डेटर को कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा तो आई होप सिक्योरिटी को भी कुछ नहीं देना है, कोर्ट ने बचा लिया। बिल्कुल ये कंडीशंस बेयर एक्ट में नहीं है, ये मेंस आंसर राइटिंग का पार्ट है जो आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल आप सभी लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी हम लेके चल रहे हैं, आई होप सभी को समझ में आ गया। आप बिल्कुल बेयर एक्ट के साइड में पेपर चिपका के नोट्स बना लीजिए या अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, आई होप आगे चलना चाहिए हमें। ओके, अनिल धुपे जी महाराष्ट्र से हैं, बिल्कुल बहुत बधाई हो आपको। चलिए आगे चलते हैं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको और अच्छा क्लियर होगा। ए गारंटीज टू बी, ए गारंटी किसको देता है, बी को, द पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी। ए गारंटी दे रहा है बी को कि भैया जो सी के रेस्पेक्ट में है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हो जाएगा। द बिल इज डिसऑनर्ड बाय सी, बट इस सी ने क्या करा दिया, बिल को डिसऑनर्ड करा दिया। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, यह एक मीडियम ऑफ पेमेंट होता है, बट यहां इसने गारंटी दी थी कि भाई पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज का हो जाएगा, बट हुआ ही नहीं, बिल ही डिसऑनर्ड हो गया। तो अब क्या होगा, ए इज लायबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल बट ऑल्सो एनी इंटरेस्ट एंड चार्जेस विच मे हैव बिकम ड्यू ऑन इट। तो यहां पे ए ने बी को गारंटी दी ना, अब ए का तो जो बिल का अमाउंट है, जो बिल का अमाउंट है उसके लिए तो लायबल होगा ही होगा तू भाई, प्लस कोई भी इंटरेस्ट या फिर कोई भी चार्जेस हैं वो भी तुझे पे करने पड़ेंगे, तूने गारंटी दी है ना, अब तू फंस गया है। आई होप सभी को यह बात क्लियर हो गई है। हाँ जी सर, इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, आप सभी को बता देता हूं, लिंकिंग लॉज आप लिखिएगा, लिंकिंग लॉज अनूप सर, ऐसा लिख के टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा, प्रॉपर तरीके से मैं वहां मिलूंगा, वहां पे आपको जरूर आज का पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। ओके जी, सभी को पीडीएफ को लेके कोई दिक्कत है क्या, अभी बता दे कि एकदम डन है सर, ये काम बढ़िया कर दिया आपने, अब तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिल गया, सर की मेहनत काम आ जाएगी। चलिए ओके, आगे की बात करते हैं, एक केस की बात करते हैं, नारायण सिंह वर्सेस छतर सिंह का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। यहां पे माननीय ऑनरेबल हमारे राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा था, ध्यान से देखिएगा। हाँ, जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं आप ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी कोई कोर्ट का नाम लिखे तो वह यहां पर ऑनरेबल जरूर लिखे। बिल्कुल ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अपने आंसर राइटिंग में जरूर यूज करिया करिए। अगर आप ये वर्ड्स यूज करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको देता रहता हूं। चलिए राजस्थान हाई कोर्ट क्या कह रहा है इस केस में, इन दिस केस इट इज सेड दैट लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अरे वही बात बोल रहा जो हमने पढ़ी है, तो इस बात इसमें पूरी केस में यही बात बोली गई है जो हमने पढ़ा, कि जो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है वही किसकी रहेगी, सिक्योरिटी की।
आगे चलें। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ओके जी, अब ये क्या कह रहा है, इफ द प्रिंसिपल डेटर्स लायबिलिटी इज रेड्यूस्ड और एक्सटिंग्यूस्ड, अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी को घटा दिया जाए या खत्म कर दिया जाता है तो श्योरिटी की भी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम अनुपात में, सेम प्रपोर्शन में घटा दी जाएगी या फिर एक्सटिंग्यूश कर दी जाएगी। दैट्स इट, आई होप सभी को यहां तक क्लियर हो गया है, डन है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा टाइम बहुत ज्यादा गया है, फटाफट देखिए 15 to 20 minutes में हमें आगे की चीज को कवर करना है। बस अब सभी लोग का मेरे को उम्मीद है कि फोकस यहां प्रॉपर बनाए रखेंगे वरना स्किप हो जाएगा। देखिएगा, श्योरिटी विल बी लायबल दो द प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल, कब कब श्योरिटी तो लायबल होगा बट आपका प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं होगा। देखिए जी, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां गारंटर तो लायबल होगा बट प्रिंसिपल डेटर कहेगा राम राम भैया हम तो फ्री हो गए। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, इन फॉलोइंग सिचुएशंस द प्रिंसिपल डेटर इज, निम्न दशाओं में मूल रेडी क्या होगा, लायबल होगा। पहला, जब, माफ कीजिएगा, इन फॉलोइंग सिचुएशंस द व्हेन द प्रिंसिपल डेटर इज, जब आपका प्रिंसिपल डेटर क्या हो जाए, पहला इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वह संविदा करने में इनकॉम्पिटेंट हो जाए। दूसरा, आपका प्रिंसिपल डेटर दिवालिया घोषित हो जाए, एडजस्ट इंसॉल्वेंट हो जाए। तीसरी बात, डेटर्स डेप्ट बिकम टाइम बार डेट, आपके डेटर का जो डेप्ट था वह टाइम बार डेप्ट हो जाए। टाइम बार डेप्ट मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे समझाई, आई होप आप वहां जाके पढ़ लेंगे। चौथा चीज, जब आपका एक्ट या आपका डेट जो भी है वह अल्ट्रा वायर्स हो जाए, मतलब बियॉन्ड पावर हो जाए। तो इन चार सिचुएशंस में, क्या कह रहा हूं, इन चार सिचुएशंस में प्रिंसिपल डेटर फ्री है और किसको पकड़ेंगे, श्योरिटी को पकड़ेंगे। तो ये चार सिचुएशंस एग्जाम में पूछी जाती है, कब श्योरिटी लायबल होगा, जब प्रिंसिपल डेटर फिर भी वहां लायबिलिटी नहीं होगी। तो इन चार सिचुएशंस में आपको बताना है कि प्रिंसिपल डेटर क्या हो जाए, इनकॉम्पिटेंट, इंसॉल्वेंट, टाइम बार डेप्ट हो जाए या फिर उसका एक्ट अडेप्ट अल्ट्रा वायर्स हो जाए। हाँ जी, अब आपको बात बता दें, दो तरह की क्लासे हैं, प्लस और आइकॉनिक। अगर आप प्लस क्लास हमारे अनअकैडमी ऐप पे लेना चाहते हैं तो वहाँ लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहती हैं। और अगर आइकॉनिक क्लास की हम बात करें, अगर आप ये सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस एंड स्टडी प्लानर प्लस एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से दी जाती है। बिल्कुल, हाँ जी, सुभद्रा चौबी जी, चौबी जी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सर कौन सी चीज बताऊं, फिर से फटाफट बता दें। ये चीज बताता हूं, देखिए, एक व्यक्ति ने गारंटी दी दूसरे के रेस्पेक्ट में, बट यहां पे गारंटर फंसता है। कब गारंटर फंसेगा, अगर प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। भाई प्रिंसिपल डेटर खुद इंसॉल्वेंट हो गया तो वो तो फ्री हो गया, को अब उसको हम लायबल भी नहीं ठहरा सकते, दिवालिया घोषित, विजय माल्या हो गया ये तो किसको पकड़ेगा, क्रेडिटर, जिसने गारंटी दी है उसको पकड़ेगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कब प्रिंसिपल डेटर तो फ्री हो जाए तब भी श्योरिटी लायबल होगा, मतलब कब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ श्योरिटी की लायबिलिटी होगी। तो पहला हुआ जब क्या हो जाए, जब आपका वो प्रिंसिपल डेटर पागल हो जाए, मतलब माइनर तो है उसमें तो हो ही सकता है, इनकॉम्पिटेंट हो जाए, मतलब वह साउंड माइंड का ना रहे, अनसाउंड माइंड का हो जाए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो जाए, या फिर वो दिवालिया हो जाए, या फिर उसका डेप टाइम बार्ड हो जाए, या उसका कोई भी कार्य अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड पावर चला जाए, ठीक है, इन सिचुएशंस में श्योरिटी की लायबिलिटी होगी, भले प्रिंसिपल डेटर फ्री हो गया तो क्या हुआ। देन अब आगे की बात हम कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ गारंटी की बात करते हैं, गारंटी के प्रकार कितने होते हैं, ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 129 क्या कह रहा है, गारंटी कई प्रकार के होते हैं बट आपके बेयरक में दिया है कंटिन्यूइंग गारंटी। ध्यान से देखिए, कंटिन्यूइंग गारंटी को चलत प्रत्याभूति भी कहते हैं, आपके बीजेएस बिहार में और यूपी सीजे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंटिन्यूइंग गारंटी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, तो आपको देना है सेक्शन 129। आई होप डन, ओके। अब देखिएगा, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार सम व्यवहारों की किसी आवली पर चलत प्रत्याभूति कहलाती है, मतलब जो गारंटी मैं किसी एक ट्रांजेक्शन पे नहीं दे रहा हूं बल्कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस पे गारंटी दे रहा हूं तो कंटिन्यूइंग गारंटी कहलाएगी, बहुत इजी है। तो अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको बहुत अच्छे से। ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी, ए क्या कहता है, एक प्रतिफल के बदले बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बीज जमींदारी। देखिएगा ध्यान से, ये ए हैं आपके, ये बी हैं,
अब यहां पे एक व्यक्ति और कौन आ रहा है, सी आ रहा है क्या? बिल्कुल, ये आपका आ गया सी, यहां पे मैं लिख देता हूं सी। अब ये क्या कह रहा है, ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी, बी जो है वो किसको एम्प्लॉय कर रहा है, सी को नौकरी पे लगा रहा है। किस लिए लगा रहा है, इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बीज जमींदारी, तो बी जो है अपना जमींदार भाई है, ठीक है, तो बी जमींदार है, तो बी की जमींदारी के रेस्पेक्ट में बी को क्या करना है, अपना जो भी बकाया रेंट है वह कलेक्ट करवाना पड़ता है पूरे गांव से, आसपास के एरिया से। तो इसके लिए नौकरी पे किसको रखता है, सी को नौकरी पे रखता है, भाई मेरे रेंट जो ड्यू है उसको तू कलेक्ट करके ला के दे। चलिए आगे, रेंट ऑफ बीज जमींदारी प्रोमिसेस बी, और यह बी को प्रोमिस करता है टू बी रेस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज। बी जो है, जो ये सी है, या बी को कहता है भाई, भाई बी तूने मुझे नौकरी दी है धन्यवाद, बट मैं 5,000 रुपए की जिम्मेदारी लेता हूं कि इतना पैसा तो मैं कलेक्ट करके लेके आऊंगा ही आऊंगा। आई होप सभी को यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, फॉर द ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी टू दोज रेंट्स, और मैं क्या करूंगा, उन रेंट्स को आपको चुका दूंगा। अब दिस इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी, अब ये कंटिन्यूइंग गारंटी है कैसे हुई, ध्यान से सुनिएगा, ये कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे हो गई। पहली बात, हाँ, कंटिन्यूइंग गारंटी ऐसे हुई, क्या वह रेंट सिर्फ एक व्यक्ति से वसूलेगा या बहुत सारे लोगों से वसूलेगा, तो आप सभी को मैं बता दूं, यह जो है यह बहुत सारे लोगों से रेंट वसूलेगा, इसलिए क्या हो गया, यह कंटिन्यूइंग गारंटी आ गई, हर व्यक्ति के रेस्पेक्ट में वो गारंटी एक साथ दे रहा है। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं फटाफट। अब दूसरा एग्जाम्पल है जिसे आप पढ़ लीजिएगा, आई होप बहुत इजी एग्जाम्पल लाया हूं, बिल्कुल यह भी कंटिन्यूइंग गारंटी का, रीड कर देता हूं। ए गारंटीज पेमेंट टू बी, ए गारंटी किसको देता है, बी को पेमेंट करने का, अ टी डीलर टू द अमाउंट ऑफ 100 पाउंड फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। ए ने बी को क्या गारंटी दी, भाई जो तू सी को टाइम टू टाइम चाय टी सप्लाई कर रहा है वह मैं आपको बिल्कुल दूंगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं, बी सप्लाई सी, बी ने सप्लाई कर दिया सी को, ए ने गारंटी दी थी विद अ टी, विद टी टू द अबोव वैल्यू ऑफ 100, इसने गारंटी दी थी कि भाई 100 पाउंड तक तो मैं गारंटी लेता हूं, बी ने 100 तक का कर दिया। चलिए आगे की बात करते हैं, बट आफ्टरवर्ड्स बी सप्लाई सी विद टी टू द वैल्यू ऑफ 200 पाउंड। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, मैं वापस से बता दे रहा हूं, ए ने क्या बोला बी को कि भाई बी मैं तुझे गारंटी देता हूं, बी तू सी को 100 पौंड तक टी सप्लाई कर देता है, राइट, क्या कर देगा, तो सी को सप्लाई कर सकता है 100 पौंड तक, बट यहां पे बी ने डेढ़ होशियारी दिखाई, इसको 200 पौंड तक सप्लाई कर दिया, तो यहां बी की गारंटी कितनी रहेगी बताइए फटाफट, यहां पे ए की गारंटी कितने रुपए तक रहेगी, 100 पाउंड तक रहेगी, आप 200 पाउंड तक दे रहे हो, आप भुगतो, मैंने 100 का बोला था, 100 पाउंड तक की गारंटी ए कह रहा है मैं उठाऊंगा, उसके ऊपर जो आप दे रहे हो उसकी बी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप सभी को समझ में आ गई होगी। हाँ जी, अब आगे चलते हैं, अदर गारंटी की बात कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक गारंटी जिसे विशिष्ट गारंटी के नाम से जाता है, इट इज गिवन फॉर अ सिंगल डेट और पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, जो स्पेसिफिक गारंटी होती है किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए दी जाती है, और जो इसको ऑर्डिनरी गारंटी के नाम से भी, सामान्य गारंटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे की बात कर लेते हैं, एक फिडेलिटी गारंटी भी होती है, इट इज गिवन फॉर द ऑनेस्टी और गुड कंडक्ट, किसी एम्प्लॉई के ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पे दी जाती है। तीसरी बात कर लेते हैं, इट इज गिवन व्हेन अ पर्सन इज एम्प्लॉयड एज एन एजेंट और सर्वेंट, जब किसी व्यक्ति को एजेंट या सर्वेंट के रूप में अपॉइंट किया जाता है तब यह दी जाती है। हाँ, एक और होती है प्रोस्पेक्टिव गारंटी, ये कब दी जाती है, इसे पूर्ववर्ती गारंटी भी कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होती है, गारंटी गिवन फॉर फ्यूचर डेट, जो फ्यूचर डेट मतलब भविष्य के लोन के लिए गारंटी दी जा रही है वह कहलाएगा गारंटी गिवन फॉर फ्यूचर डेट। हाँ जी तृप्ति जी, ए वाला एग्जाम्पल आप प्लीज उसको एकदम बेयर एक्ट से बता दीजिएगा, फोटो खींच के 8 बजे की क्लास में आपको बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम बिल्कुल हमारे पास 5 से 7 मिनट ही हैं, राइट। हाँ, अब देखिएगा, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, अब कंटिन्यूइंग गारंटी तो पढ़ ली, उसका रिवोकेशन कितने प्रकार से हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, तो बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। हाँ जी, अगर कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करना है तो कैसे करेगा, वह व्यक्ति दूसरे को नोटिस देके कर सकता है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, बाय स्योरिटीज डेथ, अगर जो स्योरिटी है उसी की डेथ हो जाए
तो कंटिन्यू गारंटी रिवोक हो सकती है। तो कंटिन्यू गारंटी को रिवोक करने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। पहला क्या होगा? नोटिस के माध्यम से, जो सेक्शन 130 में दिया जाता है, और दूसरा सियोरिटी की डेथ से, जो सेक्शन 131 में आपका दिया गया है। अब देखिएगा, नोटिस टू क्रेडिटर कैसे दिया जाता है? यह नोटिस जो दिया जाएगा सियोरिटी के द्वारा दिया जाता है क्रेडिटर को, एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। सियोरिटी ने कह दिया, भाई भविष्य में तू कोई भी ट्रांजेक्शन कर, मैं फ्री हूं, मैं नहीं इन्वॉल्व हो रहा हूं इस गारंटी में, तो बस कंटिन्यू गारंटी रिवोक हो गई। फिर आगे देखिए, सियोरिटी का ही डेथ हो गया, जो गारंटी दे रहा वही मर गया, तो क्या होगा? एज अग्रीड टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, उस सिचुएशन में क्या होगा? द स्टेट ऑफ सियोरिटी इज लायबल टू डिस्चार्ज ऑल द ऑब्लिगेशंस। अगर सियोरिटी की डेथ हो गई है तो वहां पे उसकी गारंटी कैसे फिलअप की जाएगी? आप समझ लीजिएगा, सियोरिटी की डेथ भली हो जाए, अगर वहां पे कोई डिफॉल्ट हुआ तो सियोरिटी की जो संपत्तियां हैं उससे वो वसूल की जाएगी। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से काम यहाँ होता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 6, 12, 18 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन है, जो प्लस कोर्स के नाम से जाना जाता है, प्लस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे भी आप अनुप 20 कोड यूज कर सकते हैं टू सब्सक्राइब इट। एंड दूसरा है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आप 6, 12 और 24 मंथ्स के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप कोड यूज कर सकते हैं अनुप 20। आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई है। बिल्कुल, आप ये कोड करिए, यूज करिए, 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, सियोरिटी की लायबिलिटी कब डिस्चार्ज हो जाती है? ध्यान से देखिएगा, डिस्चार्ज ऑफ सियोरिटी फ्रॉम लायबिलिटी, कब कब सियोरिटी जो गारंटी दे रहा है अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा? पहली बात, बाय रिवोकेशन। अगर वो क्या कर दे, रिवोक कर ले अपनी गारंटी को, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, ठीक है। बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर अपने आचरण के द्वारा भी, कंडक्ट के द्वारा भी रिवोक कर सकता है। तीसरी बात, बाय इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी, हाँ जी, गारंटी को इनवैलिड करा के भी रिवोक किया जा सकता है। और डिस्चार्ज हो जाएगा कौन? सियोरिटी। अगर गारंटी ही इनवैलिड हो जाए तो अपने आप में सियोरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, जो तीन पॉइंट मैंने बताए, पहला रिवोकेशन, दूसरा बाय कंडक्ट, और तीसरा इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी, 10 मिनट में, क्या कह रहा हूं, 10 मिनट में आपको पूरा चार्ट आगे तक पहुंचा दूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला देखिए, रिवोकेशन में क्या होता है, आप सेक्शन 130, 131 और सेक्शन 62 का एप्लीकेशन करिए। बिल्कुल, आप रिवोक कैसे कर सकते हैं गारंटी को? नोटिस भेज के, सियोरिटी की डेथ हो जाए, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन हो जाए। आपने क्या कर लिया, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसे खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया, आपकी गारंटी भी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। डन। आगे की बात करते हैं, बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, जो दूसरा पॉइंट हमने दिया, ऋणदाता के आचरण द्वारा, यह कैसे हो सकता है, जरा फटाफट देखिएगा। इसमें सेक्शन 133 कह रहा है, बाय वेरियंस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर क्या किया है इस क्रेडिटर भाई ने गलती कर दी कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में ही चेंजेस कर दिए, अगर आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी वेरिएशन किया है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, यहां पे आपका जो श्योरिटी है वह डिस्चार्ज हो जाएगा। किसकी गलती है? इस व्यक्ति की गलती की वजह से। अब ये गलतियां और क्या कर रहा है, देखो 134 कह रहा है, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, अगर इसने क्या कर दिया है, प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज कर दिया है। कई बार ऐसा होता है, क्रेडिटर कहता है प्रिंसिपल डेटर कोई बात है तू पैसा मत दे, अगर ये क्रेडिटर इसको ही डिस्चार्ज कर रहा है तो गारंटर क्या करेगा, वो भी कह देगा भाई मैं भी डिस्चार्ज। अब देखिए सेक्शन 135, कंपाउंडिंग और टू गिव टाइम बाय क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर, ये कह रहा है अगर क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है, या फिर टू गिव टाइम बाय क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर खुद प्रिंसिपल डेटर को क्या कह रहा है, टाइम दे रहा है, कोई बात नहीं यार, आप टाइम में दे रहा हूं तेरे को, तू बाद में पेमेंट कर देना। अरे ये तो गलत बात है ना भाई, अगर कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, टाइम दे रहा है, एक तो पेमेंट टाइम पे मांग, तू पेमेंट टाइम पे ना मांगे तो उसको और टाइम दे रहा है, तो यहां गारंटर क्या फंसा रहेगा? नहीं, गारंटर फंसा नहीं रहेगा। यहां पे गारंटर क्या हो जाएगा, जो सियोरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल, अब देखिएगा सेक्शन 139 क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग सियोरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, लेनदार के ऐसे कार्य या लोप जिसे प्रतिभू के पारिणामिक उपचार का हास हो रहा हो। मतलब ये हो गया, यहां पे ये कौन कर रहा है, क्रेडिटर का कोई एक्ट कर रहा है या फिर कोई ओमिशन कर रहा है जो गलत है, गड़बड़ सिचुएशन में चल रहा है। मतलब ये सेक्शंस में क्या बता रहा हूं, यहां पे सिर्फ क्रेडिटर की ही गलती है, जब क्रेडिटर की खुद की गलती हो रही है, वो कुछ भी ऐसे काम कर रहा है तो सियोरिटी इसके लिए बिल्कुल लायबल नहीं है, भैया क्रेडिटर तू जिम्मेदार होगा तेरी गलतियों के लिए।
बिल्कुल, आप एक बार एग्जाम्पल पढ़िएगा। देखिए इन सेक्शंस को टाइम की कमी की वजह से मैं बेयर एक्ट के सेक्शंस को एग्जाम्पल्स को नहीं ले पा रहा हूँ अभी, बट फिर भी एक एक एग्जाम्पल आप एक एक बार रीड करिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। हाँ जी, कह रहे हैं 133 में ओनली फ्यूचर एक्ट से डिस्चार्ज होगा या पास्ट एक्ट से। देखिए सिंपल सी बात है प्रिंस जी, अगर आज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने बाद में जाके कोई वेरिएंस कर दिए, कोई चेंजेस कर दिए, तब जाके यह क्या होगा, सीओटी डिस्चार्ज हो जाएगा। पास्ट एक्ट की तो बात ही नहीं होगी, फ्यूचर में आप कोई भी वेरिएंस करेंगे भी तो। आगे की बात करते हैं। हाँ, सेक्शन 141 में भी क्या होगा, सीओटी डिस्चार्ज कैसे होगा, क्रेडिटर्स लूजेस द सिक्योरिटी। अगर क्या हुआ, क्रेडिटर ने ही सिक्योरिटी को लूज कर दिया हो, तब भी क्या हो जाएगा, सीओटी डिस्चार्ज हो जाएगा। एक बार मेरी मानिएगा इन सेक्शंस को, कौन कौन से सेक्शंस मैंने अभी पढ़ाए हैं ध्यान से देखिएगा, 133 ठीक है, 134, 100 आपका हो गया 135, फिर देखिए आगे मैंने क्या पढ़ा है आपको, 139 और 141। तो 139 और 141 इन सेक्शंस के एग्जांपल्स को आपकी जिम्मेदारी है, आई होप आप सभी लोग कर लेंगे। डन, एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सीओटी यहां यहां डिस्चार्ज हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक एक एग्जांपल हम जरूर घर पे अपने होमवर्क के रूप में पढ़ लेंगे। तो ये सभी आपको होमवर्क है, प्लीज रीड इट, अगर कोई डाउट आता है वो एग्जांपल आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, जब आपकी गारंटी क्या हो जाए, इनवैलिड हो जाए, उस सिचुएशन में भी क्या होगा, आपका सीओटी डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे देखिएगा, सेक्शन 142 की बात करते हैं, गारंटी बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर ये क्रेडिटर ने गारंटी ली है मिसरिप्रेजेंट करके, तभी सीओटी डिस्चार्ज। अगर गारंटी कॉन्सीलमेंट के द्वारा ली गई है, तभी सीओटी डिस्चार्ज। कितना इजी इजी पॉइंट है, कुछ छुपाओगे, कुछ मिसरिप्रेजेंट करके गारंटी ले रहे हो, तो आज नहीं तो कल वो सीओटी फ्री होना ही होना है। डन, आई होप अब आगे चलना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लग रहा है तो आप बक्स बाउंटी के माध्यम से उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आई होप अब आगे बढ़ना चाहिए, चले। अब देखिए, गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट अंटिल को श्योरिटी हैज जॉइंट इट। ध्यान से इस पॉइंट को वापस से पढ़िएगा, क्या कह रहा हूं, गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट अंटिल, यहां से पढ़िएगा, अंटिल को श्योरिटी हैज जॉइंट इट। देखिएगा, को श्योरिटी नॉट जॉइंट इट। अब देखिए ये बात चल रही है सेक्शन 144 की, जहां पे क्या बोला गया था, को श्योरिटी की ज्वाइनिंग जरूरी थी। मतलब यहां क्या हो गया, दो गारंटर आ गए, एक गारंटर बी गारंटर। यहां पे ए ने बोला था अगर वह बी साथ में आएगा तब मेरी गारंटी मानी जाएगी। अब यहां क्या हो गया, दोनों गारंटर में से कोई एक ने ज्वाइन नहीं किया तो दूसरे वाले गारंटर भी डिस्चार्ज हो जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से 144 समझ में आ गई। हाँ, जैसे मान लीजिए ए गारंटर है बी, तो क्या दोनों का ज्वाइन होना साथ में कंपलसरी है, एक ने ज्वाइन नहीं किया तो यह भी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला डिस्चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 127 की, अगर आपका कंसिडरेशन भी फेल हो जाए, अगर आपका प्रतिफल ही फेल हो जाए तो भी क्या होगा, तब भी आप क्या हो जाएंगे, सियोरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। राइट, अब व्हेन इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगर क्या हो जाए, पूरा का पूरा मामला ही पब्लिक पॉलिसी मतलब होता है लोक नीति के विरुद्ध हो जाए, तब भी सियोरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। आई होप सभी को मामला क्लियर हो गया है कि सियोरिटी कब कब डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ जी, अब आगे की बात करते हैं, लायबिलिटी ऑफ सियोरिटी इज नॉट डिस्चार्ज इन फॉलोइंग केसेस। अभी तो मैंने बताया कब कब सियोरिटी डिस्चार्ज होगा, अब मैं आपको सिचुएशंस बता रहा हूं कब कब क्या होगा, कब कब आपका सियोरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, अब वो फंसेगा। देखिएगा सेक्शन 136, 137 और 138, इन तीनों सेक्शंस में आपका सियोरिटी बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होगा, वो हमेशा लायबल रहेगा। तीनों सेक्शंस को फटाफट पढ़ते हैं और इसको पूरा क्लास को समअप करते हैं। चलिए, हाँ जी, पहला देखिएगा सेक्शन 136 क्या कह रहा है, सियोरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन। अगर एग्रीमेंट किया जा रहा है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ, कि टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट चीज। हाँ,
पहला चीज क्या है, ये आपका कौन है, ये आपका श्योरिटी है, ये आपका क्रेडिटर है और ये आपका प्रिंसिपल डेटर है। तीन व्यक्ति हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर 136 क्या कह रहा है, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है जहां पे थर्ड पर्सन के साथ एग्रीमेंट हुआ है टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, मतलब यहां पे एक थर्ड पर्सन भी आ गया। चलिए दो चीजें मैं इसमें बताऊंगा आपको, दोनों चीजों को कंपैरिजन करना है। हाँ, अब एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ फटाफट कमेंट में बताएं। यहां पे एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन, एग्रीमेंट जो हुआ है तीसरे पार्टी के साथ हुआ है। क्या हुआ है, टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, कि इसको टाइम दो, और ये टाइम, ये एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है, बिल्कुल क्रेडिटर और थर्ड पर्सन के बीच में। अगर क्रेडिटर और किसी तीसरे पक्षकार के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि भाई प्रिंसिपल डेटर को थोड़ा टाइम और दे दो, तो यहां पे सियोरिटी डिस्चार्ज होगा क्या? बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होगा, सियोरिटी की अपनी जिम्मेदारी अपनी जगह पे है। बट यहां पे ध्यान देने योग्य बात है जो सभी को समझना है, वो देखिएगा। यहां पे अगर मान लीजिए, यहां पे अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन नहीं होता, ये क्रेडिटर सीधा का सीधा प्रिंसिपल डेटर को फ्री में टाइम दे रहा है कि भाई तू जा, फ्री है, कोई बात नहीं, अभी तेरे पास पैसे नहीं है, एक साल बाद दे देना। ऐसी बात अगर ये डायरेक्ट क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को कहता है तब सियोरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसा अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था। आई होप सभी को ये बात क्लियर है। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को डायरेक्टली टाइम दे रहा है तो सियोरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। बट इस जगह पे अगर थर्ड पर्सन कोई कह रहा है एग्रीमेंट के साथ कि भाई क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे दो, तो यहां पे सियोरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल। आई होप दोनों चीजें आप अच्छे से समझ चुके हो। अगर डन है तो फटाफट बता दें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। फटाफट बता दें एक बार कि हाँ जी सर, यहां तक डन है। अरे भैया सो गए हो क्या? अगर जाग रहे हो तो जागने का प्रमाण दो। हाँ जी फटाफट बता दें ये डन है सर, फटाफट बता दें। हाँ सभी को डन है। तो दो सिचुएशंस है, अगर क्रेडिटर ने खुद ने टाइम दे दिया तो सियोरिटी डिस्चार्ज, बट अगर थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्रेडिटर का तो सियोरिटी नॉट डिस्चार्ज। एग्जाम में बहुत ध्यान देने वाली बात है। हाँ देखिए, वेयर कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर विद अ थर्ड पर्सन एंड आगे की बात देखिए, एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। वही बात इसने लैंग्वेज फॉर्म में बोली है। अब देखिएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। सी कौन है? सी द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी एंड एक्सेप्टेड बाय बी कॉन्ट्रैक्ट्स विद एम टू गिव टू बी, ए इज नॉट डिस्चार्ज। अब मैं आप सभी को इसको एक होमवर्क दूंगा। देखिए सभी को ये होमवर्क क्यों दे रहा हूं कि मेरे को सभी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए क्लास में, अदरवाइज मतलब ही नहीं रहेगा जी। इस एग्जांपल को चार्ट फॉर्म में आप मुझे बना के समझाएंगे। जो बढ़िया चार्ट लेके आ गया टेलीग्राम के माध्यम से, उसको एक बहुत शानदार गिफ्ट देने वाला हूं। हाँ ऐसा गिफ्ट दूंगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बिल्कुल। चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं। सेक्शन 137 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हाँ सेक्शन 137 ये कह रहा है, क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस स्यू मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर ने बोला प्रिंसिपल डेटर को, क्या बोला कि चल यार मैं तेरे ऊपर सूट फाइल अभी नहीं करूंगा, बट तू मुझे पेमेंट कर दे। अगर क्रिएटर मानवता दिखा रहा है कि कोई बात नहीं तेरी दिक्कत हो गई, मैं अभी सूट फाइल नहीं कर रहा हूं, चल तू मुझे क्या कर दे, ये मैं तेरे ऊपर सूट फाइल नहीं करूंगा, तू मुझे बाद में पेमेंट कर देना। तो यहां पे अगर क्रिएटर सूट फाइल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या सियोरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सियोरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये पार्ट ऑफ बिजनेस कह सकते हैं, पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है जो चलता रहता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस। थर्ड पर्सन कौन आ गया देखिएगा, ए है यहां पे गारंटी दे रहा है बी को, ठीक है, और ए बी को कह रहा है सी के रेस्पेक्ट में, तो ये गारंटी दे रहा है, ए सियोरिटी हो गया, बी कौन हो गया किसके रेस्पेक्ट में, प्रिंसिपल डेटर सी के रेस्पेक्ट में, किसको गारंटी दे रहा है, इस क्रेडिटर को। अब यहां पे जो थर्ड पर्सन है, यह थर्ड पर्सन कोई और है जो आ गया है बीच में, ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल डेटर का कोई चाहने वाला है, ध्यान से देखिएगा हमारा जी, प्रिंसिपल डेटर का कोई चाहने वाला है जो प्रिंसिपल डेटर की खैरियत चाहता है। इसने बोला बी को, माफ कीजिएगा, हाँ बी को ही बोला क्रिएटर को, भाई सूट वूट फाइल मत करना, मेरा भाई है ये,
समझ गए, ये मेरा भाई है प्रिंसिपल डेटर, जो होगा मैं आप, अगर ये अगर आपने एक साल का टाइम दे दिया तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज आप एक साल तक सूट फाइल मत करो। तो यहां पे जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये थर्ड पर्सन है जो एक इस ट्रेलर में, इस मूवी में बाद में इसकी एंट्री हो जाती है। थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में और अच्छे से आएगा। हाँ जी, तो क्रेडिटर अगर कहता है कि प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर फॉरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी, क्रेडिटर अगर प्रिंसिपल डेटर को कहता है भाई मैं फॉरबियर कर रहा हूं, चल मैं सूट फाइल नहीं करता हूं अभी थोड़े टाइम तक के लिए, तू पेमेंट कर देना, तो ऐसा कुछ बोलने पर भी, ऐसा कुछ होने पर भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। राइट, बिल्कुल करीबी दोस्त हो सकते हैं। आगे चलिए। हाँ, मेयर फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर और टू एनफोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम डज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द गारंटी टू द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज द श्योरिटी। मतलब ये यही कह रहा है कि अगर सूट फाइल नहीं करता है क्रेडिटर तो ऐसा नहीं है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी तो भी लायबल रहेगा। ओके जी, अब देखिए इलस्ट्रेशन से समझिए इस चीज को। बी ओव्स टू सी, यहां पे ध्यान से देखिए, बी लोन लेता है किससे, सी से। तो ये बी है, यह क्या करता है, बी लोन लेता है किससे, इस सी से। तो ये देखो पैसा यहां जा रहा है, ये लोन ले रहा है। हाँ जी, अब आगे की बात करते हैं। ले चुका है मतलब अ डेट गारंटीड बाय ए। अब इसने जो लोन लिया है, यहां पे गारंटी किसने दी है, ए ने इसकी गारंटी दी है। बिल्कुल, यहां पे ए कौन है, श्योरिटी हो गया जो गारंटी दे रहा है। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, द डेट बिकम पेबल। अब यहां पे जो लोन इसने ए बी ने सी से लिया था यह पेबल हो गया, अब इसको चुकाना था। अब आगे की बात, सी डज नॉट स्यू बी, सी ने यहां क्या किया, डज नॉट स्यू बी, सी ने इसके ऊपर, पेबल हो गया, पे नहीं कर रहा है, फिर भी सूट फाइल नहीं किया। बिल्कुल, सूट फाइल नहीं किया। अब आगे की बात देखिए, सी डज नॉट स्यू बी फॉर अ ईयर आफ्टर द डेट हैज बिकम पेबल। मतलब डेट पेबल हो गया, ये दे नहीं रहा है, फिर भी इसने सूट फाइल नहीं किया। अब देखिए, ए इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटी शिप। तो इसने अगर सूट फाइल नहीं किया तो भी ए डिस्चार्ज नहीं होगा, इसकी श्योरिटी शिप चलती रहेगी। इतना इजी एग्जाम्पल था। हाँ जी, अब बात करते हैं आज के हमारे लास्ट सेक्शन की। हाँ जी, आज का देखो हमारा लास्ट सेक्शन है, आई होप आप सभी लोग एकदम परफेक्ट होंगे। हाँ, एक लास्ट सेक्शन को करने से पहले एक बार एनर्जी बता दो भाई कि हाँ सर आज थम्सअप है, परफेक्टली पूरी क्लास समझ में आ गई है मुझे। एक बार सभी लोग अपने अपने विचारों को थम्सअप के माध्यम से दे दीजिए। हाँ जी, फटाफट एक बार अपने विचारों को इस थम्सअप के माध्यम से दे दीजिए, फिर आगे पढ़ाता हूं। चलिए, सेक्शन 138 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज स्पेशल क्लास है रौनक जी, आप बिल्कुल आइएगा, 8 बजे आपका स्वागत है, आपको तो आना ही पड़ेगा रौनक जी, नहीं तो क्या होगा, बिल्कुल आप आइएगा। चलिए, हाँ, अब बात करते हैं सेक्शन 138 की, ध्यान से देखिएगा। रिलीज ऑफ वन को सियोरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। अगर हम क्या करते हैं, दो को सियोरिटी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं, दो को सियोरिटी है मतलब ये दो गारंटर हैं, दो गारंटर हैं भाई, सेठ जी हैं दो, ये दोनों ही सियोरिटी हैं। अब ये दोनों सियोरिटी हैं तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, को सियोरिटी। अब यहां पे क्या हुआ, ये जो क्रेडिटर था ये बहुत होशियार था, इसने क्या कर दिया, ये इसका थोड़ा मिलने वाला होगा, इसने कह दिया भाई बी, ये ए है और यह बी है, इसने कह दिया भाई बी तू एक काम कर, तेरे को मैं मुक्त करता हूं गारंटी से, तू फ्री है। तो यहां पे इसने इसको फ्री कर दिया, इसको डिस्चार्ज कर दिया इस क्रेडिटर ने, अच्छी बात है। तो अब किसकी लायबिलिटी है, ए की लायबिलिटी है। अब यहां पे अगर इसने ए से गारंटी ली, ए से पैसे वसूल किए, तो क्या बी ए के रेस्पेक्ट में डिस्चार्ज जाएगा, नहीं। अगर ए ने पूरा पेमेंट इसको कर भी दिया है तो यह वसूल सकता है बी से, या बी ए के रेस्पेक्ट में डिस्चार्ज नहीं होगा 100%। को सियोरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज, 100% आपको बात बोल रहा हूं। तो रिलीज ऑफ वन को सियोरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। अगर क्रेडिटर ने एक को छोड़ दिया है, भाई तू क्रेडिटर है तू छोड़ सकता है, हम को सियोरिटी है भैया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, तो मैं वसूल कर लूंगा, यही बात आपका कौन बोल रहा है, सेक्शन 138। हाँ जी बिल्कुल, सभी को क्या डन है, एक बार सभी लोग फटाफट बता दें, जल्दी से बता दें कि सारी चीजें डन हो गई है। हाँ ओके,
चलिए एक सेकेंड और देख लीजिएगा, राइट ऑफ श्योरिटी की अगर बात करते हैं तो अगेंस्ट मतलब जो श्योरिटी के अधिकार होते हैं वह किसके किसके खिलाफ होते हैं। पहला क्रेडिटर के अगेंस्ट में उसके कुछ राइट होते हैं, दूसरा प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में कुछ राइट होते हैं, तीसरा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा वह जो होता है को श्योरिटी के अगेंस्ट में भी इसके राइट होते हैं। तो तीन पर्सन होते हैं जिसके अगेंस्ट में इसके राइट होते हैं। तो श्योरिटी को कितने राइट हो गए, पहला क्रेडिटर, दूसरा प्रिंसिपल डेटर, तीसरा को श्योरिटी। बिल्कुल, इन तीनों के अगेंस्ट में किसकी राइट, किसके पास राइट होते हैं, को श्योरिटी के पास राइट होते हैं। मतलब अपने को श्योरिटी, आपका जो डेटर है, जो आपका क्रेडिटर है, बस इतनी सी तो बात है। अब देखिए एक बात आपकी बच गई थी, राइट ऑफ सिक्योरिटी, राइट टू सिक्योरिटी। हाँ, मतलब यह कहना चाहता हूं जो राइट ऑफ सिक्योरिटी है वह किस पे है, आपका सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी इसका राइट है। किसका राइट है, सिक्योरिटी का। दूसरा सेक्शन 140 कहता है राइट ऑफ सबरोगेशन, मतलब सिक्योरिटी के पास सबरोगेशन का भी राइट होता है। मैं क्या कह रहा हूं, सिक्योरिटी के पास सबरोगेशन का भी राइट होता है। अब सबरोगेशन क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, सबरोगेशन क्या होता है ध्यान से पढ़िएगा, अपॉन डिस्चार्ज ऑफ द गारंटीड ऑब्लिगेशन अ सिक्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, एक सिक्योरिटी ने क्या किया, डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, अब बेचारा सिक्योरिटी फंस गया। मैं बता रहा हूं, प्लीज देखिएगा, अब सिक्योरिटी क्या हो गया, सिक्योरिटी ने गारंटी दी थी, प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर गया, तो अब कौन फंसा, सिक्योरिटी फंसा, गारंटर फंसा। अब गारंटी ने जैसे ही पेमेंट कर दिया डिफॉल्ट का, तो सिक्योरिटी किसकी जगह ले लेगा, बिल्कुल सिक्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर का जो लायबिलिटी थी उसको पूरा पे कर दिया है, तो प्रिंसिपल जो सिक्योरिटी है वह प्रिंसिपल डेटर की जगह ले लेगा। इसे ही कहते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन। देखिएगा, अपॉन डिस्चार्ज ऑफ द गारंटीड ऑब्लिगेशन अ सिक्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। माफ कीजिएगा कुछ गलत हो रहा है, हाँ वापस से इसको रिकॉल कर देता हूं, ये गलत पॉइंट पे आ गया। हाँ, वापस एक बार रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है, अपॉन डिस्चार्ज ऑफ द गारंटी, अगर कोई भी गारंटी डिस्चार्ज होती है तो क्या होगा, अश्योरिटी जो आपका श्योरिटी है वह कहां पे आ जाता है, वह स्टेप्स कर जाता है, स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ, मतलब जूते में नहीं जाता है, मतलब उसकी जगह ले लेता है, किसकी, स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, ही गेट्स द ऑल द राइट ऑफ द क्रेडिटर अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो मतलब इसका क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि श्योरिटी, भैया क्रेडिटर तेरे को पेमेंट कर दिया, अब तेरी जगह मैं लूंगा, तेरा राइट क्या था, तू डेटर से पैसे मांगता था ना, अब मैं डेटर से पैसे मांगता हूं, मैंने अपनी लायबिलिटी थी, मैंने चुका तो दी एक बार, बट जैसे तू पैसे मांगता था डेटर से, अब क्रेडिटर की जगह मैं लेता हूं सिक्योरिटी, अब मैं पैसे मांगने का राइट करता हूं प्रिंसिपल डेटर की, प्रिंसिपल डेटर से। तो क्या यहां पर सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है या नहीं, जैसे क्रेडिटर कर सकता था, फटाफट बता दे एक बार। हाँ जी, फटाफट बताएं कि क्या अगर सिक्योरिटी जो है वह क्रेडिटर की जगह पे आ गया है, तो क्रेडिटर के सारे, क्रेडिटर का राइट था सूट फाइल करने का, तो अब सिक्योरिटी का भी राइट है, बिल्कुल सिक्योरिटी का भी राइट है, बस इतनी सी बात कहती है राइट ऑफ सबरोगेशन। अब जो राइट इसमें और भी क्या राइट होते हैं, राइट टू सेट ऑफ क्लेम, मतलब सिक्योरिटी के पास क्या क्या राइट है, वो अपना क्लेम भी, क्लेम सेट ऑफ करने का राइट है उसके पास, दूसरा राइट टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द फर्दर ऑब्लिगेशंस। हाँ, अब क्रेडिटर को बोल देगा, देख सिक्योरिटी क्या बोलेगा, भाई क्रेडिटर अब इसने डिफॉल्ट कर दिया है, अब आगे कोई डिफॉल्ट होगा मैं जिम्मेदार नहीं हूं, इसके साथ कुछ करना मत, मैं फ्री हूं यहां से, ठीक है। हाँ, तो राइट टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम फर्दर ऑब्लिगेशंस, जो फर्दर ऑब्लिगेशंस है उससे भी वह डिस्चार्ज हो चुका है। अब देखिएगा तीसरी बात क्या कह रहा है, राइट टू गेट डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन केस ऑफ फिडेलिटी गारंटी। हाँ, मेरे कहने पे, सिक्योरिटी कह रहा है मेरे कहने पे तूने इस आदमी को नौकरी पे रखा था, अब इस व्यक्ति ने क्या कर दिया है, धोखाबाजी करी है, मिसकंडक्ट किया है, अब देखो अब इसको तुम निकाल दो, अगर फ्यूचर में फिर मिसकंडक्ट करेगा तो मेरे को नहीं पकड़ोगे, अब मिसकंडक्ट किया है इसको हटाओ, तो इसको हटवाने का भी अधिकार क्या है, सिक्योरिटी का है, बिल्कुल। हाँ, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में भी कुछ राइट होते हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहां तक तो सभी को क्लियर है, अब देखते हैं प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ क्या क्या राइट है, ध्यान से देखिएगा। तो व्हाट आर द राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, ध्यान से देखिए,
सेक्शन 140 क्या कहता है, राइट ऑफ सबरोगेशन जिसको हमने पढ़ा, प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ भी राइट ऑफ सबरोगेशन है। दूसरी बात, सेक्शन 145 कहता है इंप्लाइड प्रॉमिस, क्या कह रहा हूं, इंप्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई, इसको इंडेमनिफाई कीजिएगा ये गलत है, टू इंडेमनिफाई द सियोरिटी। सेक्शन 145 क्या कहता है, इंप्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर क्या कर रहा है, इंप्लाइड प्रॉमिस कर रहा है किसको, टू इंडेमनिफाई द सियोरिटी। तो इस केस में क्या होगा, सियोरिटी इज एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, सियोरिटी हकदार है रिकवर करने का किससे, प्रिंसिपल डेटर से, वॉट एवर सम हैज बीन राइटफुली पेड अंडर द गारंटी, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइटफुली पे किया गया है वह पाने का अधिकार है किसका, सियोरिटी का भी। बिल्कुल, तो सिंपल सी बात है, अगर सियोरिटी जो जगह ले रहा है वह किसकी ले रहा है, प्रिंसिपल डेटर की, तो प्रिंसिपल डेटर ने अगर कोई भी चीज उस क्रेडिटर को दी है तो वह भी पाने का वह अधिकार है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सियोरिटी है कभी कभी वो क्रेडिटर की भी जगह ले लेगा, कभी कभी वह प्रिंसिपल डेटर की जगह ले लेगा। अगर प्रिंसिपल डेटर की ले रहा है तो क्रेडिटर के खिलाफ राइट है, अगर क्रेडिटर की जगह ले रहा है तो प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ राइट है, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल डन है, हाँ जी ऋषु जी एक बार चेक कर लीजिएगा, मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आइएगा। हाँ एकाध टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी तो मैं चेक कर लूंगा, बाकी क्या सभी को बताइए एक बार, क्या ऐसा कुछ है या सभी कुछ डन है, फटाफट बता दीजिए। हाँ आगे बढ़ा जाए, सिर्फ लास्ट के 3 मिनट ही बाकी है मेरे पास, फटाफट बताएं। हेलो शालिनी जी फटाफट आइए, अब फोकस करते हैं अपने आगे पे। अब देखिएगा एक पॉइंट है, राइट अगेंस्ट को सियोरिटी, सियोरिटी के राइट को सियोरिटी के खिलाफ क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। जो राइट होता है अगेंस्ट को सियोरिटी वो देखिएगा, सेक्शन 146 कहता है को सियोरिटी लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। हाँ जी ये दो गारंटर हैं, ये दो गारंटर हैं, अगर तीसरे को कोई लॉस हुआ है, इसको कोई भी लॉस हुआ है तो इसके लॉस की जिम्मेदारी इसकी भी है और इसकी भी है, तो क्या होगा, जितना लॉस हुआ है ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इसको पे करेंगे। बिल्कुल जी डन है क्या, फटाफट बताएं। सिंपल सी बात है, दो लोगों ने गारंटी दी है तो दोनों लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये राइट अगेंस्ट को सिक्योरिटी भी आपका हो गया है जो 146 में डील करता है। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, बिल्कुल एक दो सेक्शन बचे हैं उसको देख लीजिएगा, 147 की लायबिलिटी ऑफ को सिक्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट, मतलब जो कोस्योरिटी की लायबिलिटी होती है कभी कभी वो बाउंड कैसे होते हैं, डिफरेंट तरीके से बाउंड होते हैं। मान लीजिए दो कोस्योरिटीज थे, ये दो कोस्योरिटी थे और तीसरे के रेस्पेक्ट में इन्होंने गारंटी दी थी, तो इसने कहा मैं तो 20,000 के लिए लायबल हूं 1,00,000 में से, इसने कहा मैं 80,000 की गारंटी लेता हूं, ठीक है, और 1,00,000 रुपए की गारंटी थी इसकी पूरी, तो यहां पे डिफरेंट अमाउंट के लिए ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लायबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल डन है ये भी। अब आगे चलते हैं, अब एक लास्ट सेक्शन जो हमने पहले पढ़ चुका था 138, रिलीज ऑफ वन कोस्योरिटी, वन कोस्योरिटी कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रिलीज ऑफ कोस्योरिटी, मतलब अगर मान लीजिए दो कोस्योरिटी हैं उनमें से आपने किसी को भी रिलीज कर दिया कोई बात नहीं, ये व्यक्ति इससे वसूल कर सकता है, ये तो नहीं छोड़ेगा, क्रेडिटर तो भली छोड़ दे। आई होप सभी को ये यहां तक क्लियर है, अब हमारा क्लास फिनिश हुआ है, डन हुआ है, सभी को प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, अच्छे से अपने नोट्स को फ्रेम करना है, पूरे बेयर एक्ट के सेक्शंस को एक बार और रिकॉल करिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक को मैंने मेंस पर्सपेक्टिव से प्लस प्री पर्सपेक्टिव से अच्छे से आज पढ़ाया है। आई होप मैं आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरा हूं। अभी हम मिलेंगे कितने बजे, 8 बजे हम मिलते हैं कहां पे, स्पेशल क्लास में, बिल्कुल स्पेशल क्लास में हम 8 बजे मिलते हैं। अगर आपकी क्लास ओपन नहीं हो रही हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी क्लास ओपन नहीं हो रही हो तो ANOOP Anoop20 विदाउट एनी स्पेस Anoop20 लिख के आप उसको जरूर ओपन कर सकते हैं, तो आपकी क्लास भी ओपन हो जाएगी, वहां पे हम MCQ क्वेश्चंस भी अभी डील करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कब, कल मिलूंगा मैं आपको शाम को 5 बजे, आज के लिए इतना ही। चलिए जाने से पहले एक बार हो जाए जाने से पहले एक बार हो जाए क्या जी, जय हिंद एंड जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।